साथ ही हम लोग आज का सेशन फिर शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग अभी आने हैं, वो ज्वाइन करेंगे, तब तक हम लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा रुक जाते हैं शुरू करने में, दो तीन मिनट और रुक जाते हैं। ठीक है, सुरेश तुम प्रेजेंट कर दें। केवल आवाज मुझे सुनाई दे रही है सरसराहट की या सभी को आ रही है? पंखा चल रहा है ना, गर्मी हो गई है। हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है। क्या ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? मतलब हाँ थोड़ा सा तो आ रहा है। यहाँ आवाज आ रही है या फिर लाइव में? नहीं, मुझे अभी यहाँ लाइव पे, मतलब नीट पे। और किसी को नहीं आ रही है क्या? मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। हाँ तो फिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी, तुम रीकनेक्ट कर लो। किसी और साथी को भी आ रही है? नहीं आ रही है, नॉइज सभी को आ रही है। अच्छा, आदित्य को आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम है, लेके जा रहे हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग कर रहे हैं। सुरेश आ जाएगा तो प्रेजेंटेशन, मतलब वो प्रेजेंट कर देगा तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का जो तरीका रहेगा वो पहले जो हम लोग कर रहे थे वही तरीका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट पर डिस्कशन करेंगे। किसी भी साथी को बीच में कहीं पर भी कोई अपनी तरफ से बात जोड़नी हो, एक्सप्लेन करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो बीच में रख सकता है अपनी बात। और हम लोग टेक्स्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं और डिस्कशन हिंदी में ही करते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश में डिस्कशन। सुरेश प्रेजेंट कर दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की बातचीत।
अभी तक हम लोगों ने 100 प्लस स्टडी सर्कल के तहत जो हम लोगों ने जितने भी सेशंस किए हैं उसमें जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और उनकी शिक्षा, गुजराती श्रम और पूंजी, सोशलिज्म, साइंटिफिक एंड यूटोपियन और कई टेक्स्ट हम लोगों ने इसके साथ किए हैं। ये टेक्स्ट उससे आगे मतलब एक और स्टेप फॉरवर्ड हम लोग लेते हुए फिलोसफी का एक बेसिक टेक्स्ट है जिसमें तो जितने शानदार तरीके से किस तरह से जैसे पूरा डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पैदा होता है वो हिस्टोरिकली फिलोसफी से अपना एक क्रिटिकल एंगेजमेंट के जरिए निगेशन करता है हेगेलियन आइडियलिज्म का, फायरबाख के इनकंसिस्टेंट मटीरियलिज्म का, और उस निगेशन के जरिए डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म मार्क्स और एंगल्स जब रचते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं उसकी पूरी एक उसका हिस्टोरिकली उसको पेश करता है किस तरह से डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म अस्तित्व में आया। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म शब्द खुद मार्क्स और एंगल्स ने इस्तेमाल नहीं किया था, पहली बार प्लेखानोव ने यह शब्द इस्तेमाल किया था डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ये दरअसल एक किताब स्टार्क की एक किताब आई थी लुडविग फायरबाख के ऊपर, उनको उनका एक क्रिटिकल रिव्यू था, उस किताब का क्रिटिक लिखते हैं एंगल्स, लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जहां किताब में जो वो पर्टिकुलर किताब आई है स्टार्क की किताब का जो जिक्र आता है वो बहुत छोटे से हिस्से में आता है, लेकिन ये अपने आप में हेगेल की आइडियोलॉजी, हेगेल का पूरा हेगेलियन सिस्टम क्या था, हेगेलियन मेथड क्या था, उससे शुरू करते हुए फायरबाख ने कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया और हेगेल के सिस्टम के साथ साथ हेगेलियन मेथड को भी सेट असाइड कर दिया, वहां से आगे वो बढ़ते हैं मटीरियलिज्म तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे की जो जर्नी है वो मार्क्स एंगल्स उसको आगे लेकर जाते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से ये किताब पेश करती है, तो बहुत बेसिक टेक्स्ट है, किसी भी साथी को ये समझना हो कि कैसे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कैसे अस्तित्व में आया, और बहुत एंगल्स का जो प्रेजेंटेशन जो हमेशा से हम लोगों ने देखा बहुत लूसिड रहता है, बहुत शानदार तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं टेक्स्ट को सीधे पढ़ना शुरू करते हैं, फॉरवर्ड से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सुरेश तुमने प्रेजेंटेशन हटा लिया है। In the preface to a contribution to the critique of political economy published in Berlin 1859, Karl Marx relates how the two of us in Brussels in year 1845 set about to work out in common the position of our view, the materialist conception of history, which was elaborated mainly by Marx, to the ideological view of German philosophy, in fact, to settle accounts with our erstwhile philosophical conscience. The resolve was carried out in the form of a criticism of post-Hegelian philosophy. The manuscript, the large octavo volumes, had long reached its place of publication in Westphalia when we received the news that altered circumstances did not allow of its being printed. We abandoned this manuscript to gnawing criticism of mice all the more willingly as we had achieved our main purpose, self-clarification. Since then, more than 40 years have elapsed and Marx died without either of us having had an opportunity of returning to the subject. We have expressed ourselves in various places regarding our relation to Hegel, but nowhere in a comprehensive, connected account. To Feuerbach, who after all, in many aspects, forms an intermediate link between Hegelian philosophy and our conception, we never return. In the meantime, the Marxist world outlook has found representatives far beyond the boundaries of Germany and Europe and in all literary languages of the world. On the other hand, classical German philosophy is experiencing a kind of rebirth abroad, especially in England and Scandinavia. And even in Germany itself,
पीपल अपीयर टू बी गेटिंग टायर्ड ऑफ पॉपर स्ट्रॉथ ऑफ स्केप्टिसिज्म व्हिच इज लिटल आउट इन यूनिवर्सिटीज देयर अंडर द नेम ऑफ फिलोसफी. इन दीज सर्कमस्टेंसेस अ शॉर्ट कोहेरेंट अकाउंट ऑफ अवर रिलेशन टू द हेगेलियन फिलोसफी ऑफ हाउ वी प्रोसीडेड एज वेल एज ऑफ हाउ वी सेपरेटेड फ्रॉम इट अपीयर टू मी टू बी रिक्वायर्ड मोर एंड मोर. इक्वली अ फुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस which Feuerbach, more than any other post-Hegelian philosopher, had upon us during our period of storm and stress, appeared to me to be an undischarged debt of honor. I therefore willingly seized the opportunity when the editors of New Jait asked me for a critical review of Stark's book on Feuerbach. My contribution was published in that journal in the 4th and 5th numbers of 1886 and appears here in revised form as a separate publication. Before sending these lines to press, I have once again ferreted out and looked out over the manuscripts of 1845-46, the German ideology. The section dealing with Feuerbach is not completed. The finished portion consists of an exposition of materialist conception of history, which proves to me how incomplete our knowledge of economic history still was at that time. It contains no criticism of Feuerbach's doctrine itself. For present purposes, therefore, it was unusable. On the other hand, in an old notebook of Marx's, I have found the 11 theses of Feuerbach printed here as an appendix. These are notes hurriedly scribbled down for later elaboration, absolutely not intended for publication, but invaluable as the first document in which is deposited the brilliant germ of the new world order. मार्क्स यहाँ पर साफ करते हैं, गर्ज पर बात कर लेते हैं. मैं हिंदी में भी ब्रीफ करता चलूंगा पूरी बात को, क्योंकि कुछ साथी पिछली बार की तरह हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग जो भी टेक्स्ट करेंगे उस पर एक तो थोड़ा इलेबोरेशन और बातचीत हम लोग हिंदी में करते चलेंगे. उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ जो हम लोगों ने बात की उसको हिंदी में. एंगल्स यही कहते हैं कि जब मतलब ये किताब जो हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी उसी से आगे मतलब उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हुए एंगल्स बताते हैं कि 1859 में कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जब उसको प्रीफेस लिखते हैं मार्क्स बताते हैं कि 1845 में क्रांति से बस जब ये 1848 की क्रांति से पहले जब पहली बार मार्क्स और एंगल्स ने दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया था और अपना एक जो जहां मार्क्सिज्म का फॉर्मेटिव ईयर्स या फॉर्म होना शुरू होती है वो वक्त, तब उन्होंने किस तरीके से जर्मन फिलोसफी के साथ जो बहस चलाई थी और ये पूरी मेनुस्क्रिप्ट 1845 में जर्मन आइडियोलॉजी के रूप में आती है, उसको बाद में तो प्रिंट किया ही गया, वो मेनुस्क्रिप्ट जो थी वो बाद में निकल कर आती है, जो हम लोगों तक मतलब वो लोग देख भी सकते हैं उसको. वो किताब छपी थी, उसका एक जिक्र मार्क्स करते हैं उस किताब में, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में, किस तरीके से मतलब उस दौर में हम लोग उनसे जैसे पहला किताब आती है आइडियोलॉजी क्रिटिक जो पूरी फैमिली का किताब आती है मार्क्स एंगल्स की, जिसमें हेगेलियन आउटलुक और हेगेल के साथ जितने भी जो यंग हेगेलियंस थे जो तरुण हेगेल बनती थे उन सबसे मार्क्स और एंगल्स कैसे अलग होते हैं, फायरबाग की आलोचना उस पर करते हैं, स्टार्क की, ब्रूनो बाग की, इन सबकी आलोचना करते हुए उनसे उस दौर से अलग होते हैं, उसका जिक्र इस किताब में बाद में भी आएगा. इस किताब में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पूरा एक विवरण आएगा किस तरीके से हेगेल के बाद का जो दौर था उसमें किस तरह से जो हेगेल पंथी थे, जितने भी हेगेल पंथी थे उनके विचार धर्म और राजनीति में किस रूप में प्रकट हो रहे थे, फिलोसफी में किस रूप में प्रकट हो रहे थे, धर्म और फिलोसफी में किस रूप में प्रकट हो रहे थे, और उनसे किस तरह बहसों पर कैसे अलग होते हैं मार्क्स एंगल्स. और ये किताब मतलब पहली बार एक मौका अभी तक मार्क्स एंगल्स को उस दौर से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रिंट होने से या होली फैमिली के बाद से 1845 से बात करें तो उसके बाद से मौका कभी नहीं मिला था कि वापस से एक बार आकर हेगेल से जो हेगेल
से एक संबंध था या जो उससे क्रिटिकल एक विच्छेद होता है जो टूटता है वहां से, उससे अलग हटते हैं, उस फिलोसफी से आगे विकसित करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कैसे हेगेलियन फिलोसफी से आगे फायरबाख और उसके बाद मार्क्सिज्म तक या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म तक जो रास्ता है उस पर कैसे पहुंचे, उसके बारे में कहीं और विस्तार से लिखने का मौका नहीं मिला। ये इस वजह से ये कहते हैं कि इस आज खासतौर पर जब फिर से एक बार जर्मन जो क्लासिकल जर्मन फिलोसफी है हेगेल, जिसका हेगेल के बाद से ब्रूनो बावर से लेकर जिसका अंत फायरबाख पर जाकर होता है एक तरीके से वहां तक पहुंचकर, उसके उसमें फिर से एक बार इंटरेस्ट पैदा हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, जगह जगह पर लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये मौका है कि मार्क्स एंगल्स इसी मौके का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम लोग फिर से इस पर अपनी एक बात रख सके इस पूरे दर्शन के साथ, जो कहें ये दर्शन अपने आप में मार्क्सिज्म के इंसेप्शन के लिए उसका एक सोर्स बनता है, एक अपने आप में सोर्स बनता है, और बाद के उसी सोर्स का क्रिटिक करके उसका नेगेशन करके उसका कंपोनेंट पार्ट जो डायलेक्टिक्स है वो हेगेल से एब्जॉर्ब करता है, मटीरियलिज्म जो है उस मटीरियलिज्म को और ज्यादा उन्नत करते हैं, उसको आगे जाके डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म तक पहुंचाते हैं। तो इस रूप में जरूरी था कि इस पूरे संबंध को एक बार फिर से हेगेलियन फिलोसफी से देख लिया जाए, हेगेलियन फिलोसफी से आगे जो डेवलपमेंट हुआ यंग हेगेलियंस का, जिसको पोस्ट हेगेलियन फिलोसफी कह रहे हैं, फायरबाख का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है उस पूरे फिलोसफी पर, और उससे भी आगे कदम बढ़कर मार्क्सिज्म तक किस तरह से पहुंचते हैं मार्क्स एंगल्स। इस वही जो हम लोगों ने शुरुआत में भी बात की थी, स्टार्क किताब आई थी फायरबाख पर, उसका रिव्यू करने का मौका मिला, उस दौरान ये किताब लिखी गई। इस दौरान एंगल्स के बाद ये पूरी किताब लिखते हैं। इस किताब का जिक्र करते हुए इसमें पहली बार वो जो 11 थीसिस ऑन फायरबाख है जो मार्क्स ने लिखी थी उसको भी इसमें रीप्रिंट किया गया है। मतलब बहुत क्लियर कट है, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी बातचीत है। हम लोग शुरू करते हैं, पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हेगेल वाला जो पार्ट है उससे शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन मुझे विजिबल नहीं हो रहा, मैं शुरू कर रहा हूं। पार्ट वन, द वॉल्यूम बिफोर अस कैरीज अस बैक टू अ पीरियड विच ऑल्दो इन टाइम नो मोर देन अ जनरेशन बिहाइंड अस हैज बिकम एज फॉरेन टू द प्रेजेंट जनरेशन इन जर्मनी एज इफ it were already 100 years old. Yet it was the period of Germany's preparation for revolution of 1848, and all that has happened since then in our country has been merely a continuation of 1848, merely the execution of the last will and testament of revolution. Just as in France in 18th century, so in Germany in the 19th, a philosophical revolution ushered in the political collapse. But how different the two looked. The French were in open combat against all official science, against the church, and often also against the state. Their writings were printed across the frontier in Holland or England, while they themselves were often in jeopardy of imprisonment in Bastille. On the other hand, the Germans were professors, state-appointed instructors of youth. Their writings were recognized textbooks and the termination system of the whole development, the Hegelian system, was even raised, as it were, to the rank of a royal Prussian philosophy of the state. Was it possible that a revolution could hide behind these professors, behind their obscure pedantic phrases, their ponderous, wearisome sentences? Were not precisely these people who were then regarded as representatives of revolution, the liberals, the bitterest opponents of this brain-confusing philosophy? But what neither the government nor the liberal saw was seen
at least by one man as early as 1833, and this man was indeed none other than Heinrich Heine. इसके कंटेक्स्ट पे जो बात है उस पर बात करके आगे बढ़ते हैं. जिस स्टार्क की किताब के बारे में बात कर रहे हैं, द वॉल्यूम बिफोर अस, जब जो स्टार्क ने लुडविक फायरबाख पर जो किताब लिखी है उसके बारे में यहां पर जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये जो किताब है हम लोगों को उस वक्त में लेकर जाती है जो कहने को तो एक जनरेशन पहले कुछ करीब 20 से 30 साल पहले के वक्त की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा एक जनरेशन एक पूरा एक करीब 100 साल से ज्यादा अधिक बीत चुका हो. ये वो वक्त था जो जिसमें जर्मनी तैयारी करता है 1848 की अपनी क्रांति की, जो निश्चित रूप से हारी गई थी क्रांति, जो प्रेजेंट वॉर जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया था जब हम लोगों ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या और हम लोगों ने सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपियन पढ़ा था, तब हम लोगों ने खासतौर पर 1848 के दौर पर काफी विस्तार से बात की थी. वो दौर जब पूरा जिस तरह से पूरा यूरोप उथल पुथल से गुजरता है, कई जगह पर क्रांति होती है. ये फेल्ड बुर्जुआ रेवोल्यूशन था जो 1848 में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है. उसी का एक तरीके से जैसे जो आगे बात आई है कि उसी आज जहां हम लोग खड़े हैं इस देश के अंदर, जहां पर भी जर्मनी में जो हो रहा है वो एक तरीके से 1848 का एक कंटिन्यूएशन है जो उसको सफल होना था. इस बिस्मार्क का सत्ता में आना जर्मन स्टेट्स को इस तरीके से के आयरन और ब्लड के नारे के तहत पूरा एक तरीके से सारे जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करना, उसको सारे उसको मातहत लेना, और बिस्मार्क और लुई बोनापार्ट के बीच का युद्ध फ्रांस और जर्मनी में होती है, उस दौर के बारे में, और बिस्मार्क पर आते आते पूरा एक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के लिए एक आधार तैयार शुरू करता है वहां पर. ये उस 1848 की बात कर रहे हैं एंगल्स, और उसको कंपेयर करते हैं कि जैसे फ्रांस की 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो इनलाइटनमेंट का दौर बीता, जिसमें डिडेरो जैसे लोग, जिसमें वोल्टेयर रूसो जैसे लोग, जो हर तरीके का जो अपने दर्शन के लिए, जो अपने विचारों के लिए हर किस्म की ऑफिशियल साइंस से, चर्च से, अथॉरिटी से, राज्य सत्ता के खिलाफ लिख रहे थे, और एक उनके विचार लगातार प्रतिबंधित थे, सेंसर्ड थे, उनको अपनी किताबों को, अपने अखबारों को, अपने जर्नल्स को पब्लिश करने के लिए बाहर देश की चौहद्दियों से बाहर से पब्लिश कराना पड़ता था, और उनको अपने विचारों के लिए जेल तक जाना पड़ता था, बास्तील तक जाना पड़ता था. लेकिन जर्मनी में दूसरी तरफ जर्मनी के जो लोग थे, जो ये जो विचार यहां पर आते हैं कि जर्मनी में जबकि ये फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन जो 19th सेंचुरी में जर्मनी में आगे बढ़ता है, जिस दौर के बारे में स्टार्क ने फायरबाख की किताब का जो जिक्र किया है 1820s 1830s का वो दौर है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो लोग थे, ये स्टेट अपॉइंटेड इंस्ट्रक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, इनकी किताबें खुद टेक्स्ट बुक्स थी जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, और हेगेलियन सिस्टम को खुद रॉयल प्रशियन फिलोसफी राज्य की बोला जा रहा था. तो इसी दौर के बारे में पूछते हैं कि कैसे ये क्रांति इन प्रोफेसरों की उलझी हुई उबाऊ बहुत ही ऑब्सक्योर, बहुत ही मिस्टिकल, बहुत ही इस किस्म की शब्दावली में, जैसे आजकल जिस तरह का बहुत ही कंफ्यूजिंग आइडियल विचारों में, जैसे तमाम तरह के पोस्ट मार्क्सिस्ट और इस तरह के लोग लिखते हैं, हेगेल की राइटिंग से तो सभी परिचित ही हैं, जो साथी हैं जो खासतौर पर फिलोसफी के स्टूडेंट हैं वो तो हेगेल कितना जिस तरह से जटिल लिखते हैं, सुरेश तो खासतौर पर परिचित हैं ही. तो मतलब उस दौर में उस पर कैसे उसके पीछे क्रांतिकारी एक उसका चरित्र छिपा हो सकता था, ये एक तरफ स्टेट उस आइडियल उस फिलोसफी को जहां पर बाकायदा मान्यता दे रहा था,
दूसरी तरफ जो लिबरल्स थे जो वाकई में जो इस बदलाव के जो चीजों को बदलने की तरफ राज्य पूरे उस दौर में जो मानते थे कि बुर्जुआ क्रांति की तरफ लेकर जा रहे थे उस तरफ लीड करने की तरफ लेकर जा रहे थे, इन दोनों के बीच में कैसे वो लिबरल्स उससे नफरत करते थे इस हेगेलियन फिलॉसफी से, जबकि स्टेट जो कि खास तौर पर जो उस रेवोल्यूशन के खिलाफ था जो उसको रोक रहा था फ्रेडरिक विलियम थर्ड की सत्ता इस दौर में होती है प्रशियन स्टेट की, वो कैसे उसको मान्यता दे सकती थी, इसको लिबरल्स नहीं देख पाए, लेकिन इसको हाइनरिक हाइने ने देखा। ये जो कवि थे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सिलेसियाई बुनकरों का गीत भी लिखा था 1845 में जो विद्रोह हुआ था जर्मनी में, 1844 में जर्मन स्टेट्स में विद्रोह हुआ था उसका, और तो मार्क्स एंगल्स उनको हाईली प्रेस कर देते हैं हाइने को, लेखन उनको कहते हैं मॉडर्न एरिस्टोफेनेस कहते हैं, एरिस्टोफेनेस जो ग्रीक तो एक जो लिखा करते थे एपिक पोएट्री जो उसमें कहे जाते हैं, जो कॉमिक खासतौर पर एरिस्टोफेनेस की कई इस तरह के लिखी हुई उनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर कोई भी कहीं पर सवाल हो साथियों, कोई बात अपनी तरफ से जोड़नी हो तो साथी बात रख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैं कोई सवाल नहीं है इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, नो फिलोसॉफिकल प्रपोजिशन हैज अर्न्ड मोर ग्रेटिट्यूड फ्रॉम नैरो माइंडेड गवर्नमेंट्स एंड रैथ फ्रॉम इक्वली नैरो माइंडेड लिबरल्स देन हेगेल्स फेमस स्टेटमेंट, quote, all that is real is rational and all that is rational is real, unquote. That was tangibly a sanctification of things that be, a philosophical benediction bestowed upon despotism, police government, star chamber proceedings and censorship. That is how Frederick William III and how his subjects understood it. But according to Hegel, certainly not everything that exists is also real, without further qualification. For Hegel, the attribute of reality belongs only to that which at the same time is necessary. Quote, in the course of its development, really, reality proves to be necessity. Unquote. A particular governmental measure, Hegel himself cites the example of a certain tax regulation, is therefore for him by no means real without qualification. That which is necessary, however, proves itself in the last resort to be also rational. And applied to Prussian state of that time, the Hegelian proposition therefore merely means this state is rational, corresponds to reason insofar as it is necessary. And if it nevertheless appears to us to be evil, but still in spite of its evil character, continues to exist, then the evil character of the government is justified and explained by corresponding evil character of its subjects. The Prussians of that day had the government that they deserved. Now, according to Hegel, reality is, however, in no way an attribute predictable of any given state of affairs, social or political, in all circumstances and at all times. On the contrary, the Roman Republic was real, but so was the Roman Empire, which superseded it. In 1789, the French monarchy had become so unreal, that is to say, so robbed of all necessity, so irrational, that it had to be destroyed by great revolution, of which Hegel always speaks with greatest enthusiasm. In this case, therefore, the monarchy was the unreal, and revolution was the real, revolution the real. And so, in course of development, all that was previously real becomes unreal, loses its necessity, its right of existence, its rationality. And in place of moribund reality, comes a new, viable reality. Peacefully, if the old has enough intelligence to go to its death without a struggle, forcibly,
if it resists this necessity. Thus, the Hegelian proposition turns into its opposite through the Hegelian dialectics itself. All that is real in the sphere of human history becomes irrational in the process of time, is therefore irrational by its very destination, is tainted beforehand with irrationality, and everything which is rational in minds of men is destined to become real, however much it may contradict existing apparent reality. In accordance with all the rules of Hegelian method of thought, the proposition of rationality of everything which is real resolves itself into other proposition. All that exists deserves to perish. इस पर बात करते हुए चलते हैं. एंगल्स यहीं से शुरू करते हैं कि एक हेगेल की इस दार्शनिक उक्ति ने, इस दार्शनिक प्रपोजिशन ने सबसे ज्यादा एक तरफ तो सरकार के तमाम ऐसे नैरो माइंडेड सरकारी सरकारों ने और तमाम नैरो माइंडेड लिबरल्स ने, दोनों ने एक तरफ सरकारों ने खूब उसकी तारीफ की है, और दूसरी तरफ जिसको सबसे ज्यादा नफरत से उन लिबरल्स ने देखा है जो क्रांति के रिप्रेजेंटेटिव थे जिस दौर के 1830s की, या हेगेलियन जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं, कि हेगेल की फिलोसफी की वो फिलोसफी थी जो कि वास्तव में उस पॉलिटिकल रिवोल्यूशन को के लिए एक तरीके से तैयार करती है, लोगों को तैयार करती है, और उसी के भीतर वो एक वो तैयार था, वो आइडियाज तैयार थे जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के लिए लोगों को तैयार कर सकते थे. वही लोग जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, हालांकि नैरो माइंडेड थे, वो लोग इससे नफरत करते हैं जो हेगेल का प्रपोजिशन है, ऑल दैट इज रियल इज रेशनल एंड ऑल दैट इज रेशनल इज रियल. यानी कि वह जो सब कुछ यथार्थ है वह तर्क संगत है, और जो सब कुछ और जो तर्क संगत है वह यथार्थ है. ठीक है, यानी कि जो जो कुछ भी यथार्थ है, जो हम लोगों के सामने अभी मौजूद है, दिख रहा है, जो यथार्थ है वह तर्क संगत है, और जो कुछ भी तर्क संगत है वो यथार्थ है. ठीक, इससे अब जो अर्थ निकलते हैं इस पैसेज से, जो अर्थ निकलते हैं इस वाक्य से, जो अर्थ निकलते हैं इस उक्ति से, जो अर्थ निकलते हैं वो क्या है? एक तो ये है कि इसको इस रूप में देखा जा सकता है, जो आज जो सरकार मौजूद है, जो तानाशाही मौजूद है, जो सेंसरशिप मौजूद थी, उस सबको एक तरीके से ये तर्कसंगत बता रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. अगेन दूसरी तरफ हेगेल ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ रियल है वो बिना किसी शर्त के जो यथार्थ नहीं होता. उसके साथ हम लोगों को ये बात ये भी कहते हैं कि सिर्फ रियलिटी सिर्फ वो हो सकती है अपने आप को यथार्थ, अपने आप को अगर आवश्यक सिद्ध करे, अगर वो अपने आप को इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट रियलिटी प्रूव्स टू बी नेसेसिटी, अपने विकास क्रम में अगर यथार्थ खुद को आवश्यक सिद्ध करता है तभी वो यथार्थ हो सकता है. हर वो चीज जो सामने है, मतलब वो कह रहे हैं कि हर एक चीज जो सामने है वो तर्कसंगत, उसको तर्कसंगत नहीं कह रहे, यथार्थ होने के पीछे वो एक शर्त लगा रहे हैं. यथार्थ क्या है? जो कुछ भी यथार्थ, एक सशर्त कह रहे हैं, उसके साथ एक शर्त जुड़ी है, वो शर्त जो पूर्ति से होती है वो कहते हैं जो कि आवश्यक है, जो कि नियमतः होना चाहिए, जो आवश्यक है. जो आवश्यकता किस तरह से बताते हैं? अब ये कहते हैं कि भाई एक सर्टेन टैक्स रेगुलेशन है, वो ये कहते हैं कि उसको बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी क्वालिफायर के आप उसको यथार्थ नहीं कह सकते. एक सर्टेन टैक्स मेजर को वो कहते हैं कि जो अगर वो अपने आप में, अगर जो टैक्स मेजर लगाया गया है वो अगर वास्तव में आवश्यक है तो अपने आप को सही सिद्ध करेगा, रियल सिद्ध करेगा, और
इस सेंस में वो ये कहते हैं कि भाई जो प्रुशियन स्टेट उस समय जो भी चीजें अप्लाई कर रहा था ये इसलिए वो जो कुछ भी अपनी पॉलिसीज बनाता था, वो जितना भी उसके डिस्पोटिज्म था, वो सब कुछ वो इसलिए रेशनल था, वो इसलिए तर्कसंगत था क्योंकि वो आवश्यक था। ऐसा हो सकता है कि आम जनता को वो इवन प्रतीत हो, वो ऐसे प्रतीत हो कि ये बहुत भयानक है, सारी चीजें हैं, ये तानाशाही है, इसका विरोध होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये तानाशाही इसलिए जरूरी है, तानाशाही की जरूरत है इसलिए क्योंकि जो लोग हैं उनका उनका चरित्र इस किस्म का है कि उनको वो खुद ही इस तरह के लोग हैं। जैसे भारत को मोदी सरकार इसलिए मिली कि भारत को मोदी जैसे नेता जी इसीलिए मिल सकते थे क्योंकि देश की जनता ने उनको चुना। इसमें एक सत्यांश है, इस बात में सत्यांश भी है कि हाँ भारत को मोदी और योगी जैसे ही लीडर्स मिल सकते हैं। ये इस वक्त की एक सच्चाई का एक अंश है जो जो दिख रहा है, वो जो है आज मौजूद वो अपने आप में सत्यांश है, उसका हिस्सा के लिए अपने आप में होगा ऐसा ही। जो जो कुछ भी मौजूद है और सरकार जो पॉलिसीज ले रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बावजूद भी कि वो आपको ईगल कैरेक्टर प्रतीत हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये इसी वजह से कि देश की जनता ही ऐसी है कि देश की जनता ही इस किस्म की है। और जैसे उसको उसमें कहते हैं कि उस समय के जो प्रशियंस थे उनको वैसी सरकार मिली जैसा वो डिजर्व करते थे, जैसे आज के हिंदुस्तानियों को वैसी सरकार मिली। उनका फांसीवाद वैसे ही होता है, एजाज अहमद ने भी एक बात कहा था कि हर देश को उसका फांसीवाद वैसा मिलता है जैसा उसकी देश की जनता डिजर्व करती है। तो उस जो ये हेगेलियन प्रपोजिशन है उससे आप ये देख सकते हैं। अगले हिस्से में लेकिन अगले हिस्से में एंगल्स बताते हैं कि हेगेल के हिसाब से के हर वक्त जो रियलिटी है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी भी, चाहे हम सोशल किसी पॉलिटिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो भी जिस वक्त मौजूद है वो हर हमेशा के लिए साथी। हेलो, हाँ साथी। हाँ साथी, मैं कुछ इंटरव्यू करना चाह रहा था जी। ये जो अभी आप कमेंट कर रहे थे कि देश की जनता जैसी चाहती वैसी सरकार, तो भारत के संदर्भ में खास करके ये तो 31% 32% या मैक्सिमम 35% जो इलेक्टोरेट है उसके, मतलब हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी एक ट्रेजेडी है, लिमिटेशन कह लीजिए कि इस तरह से मोदी या जो कि चुन के आ रहे हैं। तो ये जनता के, मतलब पूरी जनता के व्हील को रिप्रेजेंट करता है या पूरी जनता ऐसी चाहती है जिसके वजह से मोदी जोगी टाइप के लोग आ जाते हैं, ये थोड़ा मुझे लगता है कि एक जनरेशन होगा ये तो जो बुर्जुआजी इलेक्टोरल सिस्टम बनाया है उसके वजह से मतलब इस तरह के लोग आ रहे हैं। अब उस समय यूरोप की स्थिति क्या होगी मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि ये फांसीवादी आ रहे हैं तो उसके पीछे एक तो बड़ा वजह भारत के जो इलेक्टोरल सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसका एक बड़ा कारण है। हालांकि जनता के एक तबके में तो फांसीवाद की जो सोच है वो तो गहरी होती ही जा रही है, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी भी यदि देखा जाए तो मोर देन 65% तो उसके साथ है नहीं। इस पर आप कुछ कमेंट करें तो ठीक रहेगा। हाँ, मतलब अगर सरकार इससे बननी होती तो सरकार तो इसी से बनी रही, उनकी मेजॉरिटी एब्सोल्यूट्स में इंक्रीज हो रही है पहले तो। लेकिन अभी हम लोगों की ये बात, मतलब इसको आप सिर्फ इसी पैसेज को लेंगे तो ये अधूरा ही बात है ना। अभी हम लोग इसके आधे पैसेज के एक हिस्से पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें एक हिस्से में एंगल्स ये कहते हैं कि ये क्यों ऐसा प्रतीत होता है हेगेलियन प्रपोजिशन के वो सिस्टम को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब तो पहले उस तर्क को अगर हम समझे, अभी हम फांसीवाद कैसे आया उसमें भी मुझे लगता है कि फांसीवाद के आने की प्रक्रिया में निश्चित ही जनता के बीच में उनका आधार है, सिर्फ इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से वो नहीं आया, वरना तो फिर हम किसी भी सरकार को बोल सकते, कोई भी सरकार मेजॉरिटी में कभी नहीं थी, निश्चित ही नहीं होती और इसी तरह से मेजॉरिटी में आ सकती है, वो बुर्जुआ पार्लियामेंटरिज्म की
एक लिमिटेशन है जिस वो पॉपुलर विल जो वास्तव में जनता का वो जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं उसमें अभी उस पर चर्चा का विषय क्या है, चर्चा का विषय है हेगेलियन प्रपोजिशन, वो क्यों हेगेलियन प्रपोजिशन जो हेगेल ने कहा वो क्यों सत्ता को सूट करता है, सत्ता उसको पेपर बनाती है अपने लिए, मैंने इस सेंस में उसको कहा यहां पर। वरना तो ये एंगल्स भी ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्रुशियंस जैसे थे उनको वो डिजर्व करते हैं, वो कह रहे हैं हेगेल के इस प्रपोजिशन का एक अर्थ ये निकलता है, लेकिन अभी हम उसके दूसरे अर्थ पर जा रहे हैं, उसके दूसरा अर्थ बिल्कुल उसका अपोजिट बता रहे हैं, जो उससे टकराता है। वो कह रहे हैं कि हेगेलियन प्रपोजिशन हेगेलियन डायलेक्टिक से टकराता है। अभी आपको पूरे तर्क एक बार आ जाने दीजिए। ठीक है साथी, ठीक दूसरे हिस्से में हेगेल कहते हैं कि जो यथार्थ है जो किसी भी सामाजिक स्थिति में किसी भी वक्त में जब हम खड़े हैं जहां पर भी हैं मतलब हर समय हर परिस्थिति में वो मौजूद रहेगा या हमेशा मौजूद रहेगा ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा अपने आप में किसी भी जिस जगह जैसे जो वो खड़ा हुआ आज जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है चाहे वो सामाजिक है चाहे जो भी हम बात करें वो हर सरकमस्टेंस में और हर टाइम में हर वक्त में हर परिस्थिति में अपने आप में यथार्थ नहीं रहता है, वो हमेशा यथार्थ नहीं रहता है। जैसे कहते हैं इसके इतर वो बदलता है। वो कहते हैं कि एक वक्त में रोमन रिपब्लिक रियल था और उसके बाद रोमन एम्पायर आता है रिपब्लिक को खत्म करके, है ना। तो रोमन रिपब्लिक एक वक्त में रियल था जिसके बाद रोमन एम्पायर आया वो भी रियल था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में रोमन जो फ्रेंच मोनार्की थी वो इतनी अनरियल बन गई थी कि वो अपने नेसेसिटी को अपने आवश्यकता को खो चुकी थी, वो अपनी तर्क संगतता खो चुकी थी, वो अतार्किक हो चुकी थी। इस वजह से वो क्रांति द्वारा वो फ्रांसीसी क्रांति द्वारा तबाह कर दी गई और इसी कारण फ्रांसीसी क्रांति उस समय आवश्यक थी, फ्रांसीसी क्रांति उस समय का यथार्थ थी। इसलिए जो मोनार्की अयथार्थ बन गई और क्रांति यथार्थ बन गया और इसी तरह से अपने विकास की प्रक्रिया में विकास के क्रम में जो यथार्थ होता है वो अयथार्थ बन जाता है, रियल अनरियल बन जाता है, अपनी आवश्यकता को खो देता है, अपने अस्तित्व रहने की अधिकार को खो देता है, अपनी अपने रेशनैलिटी को खो देता है और उस रियलिटी को जो कि खत्म होनी है जो कि पतनशील है उसकी जगह एक नई 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 रियलिटी नया यथार्थ अस्तित्व में आता है। अगर जो पुराना यथार्थ है वो बिना संघर्ष के उसको नए वक्त को नई रियलिटी को आने दे तो ये पीसफुली हो जाता है, नहीं तो फोर्सिबली होता है जैसे 1789 का रेवोल्यूशन हुआ। अब हेगेलियन का जो हेगेलियन प्रपोजिशन था जो उन्होंने पहले रखा जो पहले बात थी ये बिल्कुल इसके उलट में पलट गई है। अब ये बिल्कुल बात इस तौर पर आ रही है कि हेगेलियन डायलेक्टिक्स इस सेंस में इसको बात कहता है कि वो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है प्रशियन स्टेट के अफेयर के। प्रशियन स्टेट आज रियल है वो अनरियल हो जाएगा, वो उसकी रियलिटी तब तक है जब तक कि वो अपने अपने आप को नेसेसिटी सिद्ध करता है, वो अपने आप में अपोजिट में तब्दील हो जाएगा, वो अनरियल में तब्दील हो जाएगा। जो कुछ आज मौजूद है वो एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। हर वक्त जो कोई भी हर रियलिटी जो है आज जो कि रियल है ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी चीज जो यथार्थ है वो एक वक्त के बाद अयथार्थ में तब्दील होती है। वो अपनी डेस्टिनेशन की वजह से जहां तक उसकी जर्नी है वो शुरुआत से ही उसके जैसे कहें कि वो अपने पैदाइश के वक्त से ही अयथार्थता के साथ अपने विपरीत के साथ अपने पैदाइश के वक्त ही अपने विपरीत से युक्त होती है और वो अपना विपरीत उसको खत्म करके आगे तब्दील करता है। और भले ही आज कोई चीज सामने मौजूद ना हो हमारी आंखों के सामने मौजूद ना हो लेकिन वो अगर रेशनल है और हमारे सिर्फ विचारों में ही है वो रेशनैलिटी अपने आप यथार्थ में तब्दील हो जाती है और वो चीज जो सामने मौजूद है सामने यथार्थ के रूप में दिख रही है अगर वो इरेशनल है
वो पतन होती है, उसका खात्मा होता है। ठीक है, तो यही चीज जो ऑल यहां से इसका प्रपोजिशन बिल्कुल उलट में तब्दील हो जाता है। जो पहला प्रपोजिशन था हेगेल का प्रपोजिशन के ऑल दैट इज रियल इज रेशनल, इसको ये कहते हैं कि ऑल दैट एग्जिस्ट डिजर्व टू पैरिश, ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट में तब्दील हो जाता है। जो जो कुछ भी ऑल दैट एग्जिस्ट, जो आज कुछ जो कुछ भी आज विद्यमान है वो नष्ट होने योग्य है, वो नष्ट हो जाए, वो नष्ट होगा ही। इस सेंस में यहां पर मैंने कहा कि आज जो भारत की सत्ता में भी जो दिख रही है, ऐसे ताकतवर लोग दिख रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी खत्म नहीं होंगी, चीजें उसमें सामने प्रकट हमें प्रतीति के स्तर पर, अपीयरेंस के स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो चीजें मौजूद हैं वो रेशनल हैं और वो जस्टिफाइड हैं, जिस भी तरह की स्थिति है उसको जस्टिफाई करना है। हेगेलियन प्रपोजिशन अपने आप में इसके अदर एक दूसरा तर्क भी देता है कि ये भी अपने आप में खत्म होगा, ये इन टाइम अपने आप में खत्म होगा, रेवोल्यूशन जब नेसेसिटी बन जाता है चीजें पलटेंगी, लेकिन उसके शर्त कहां पर है ये हम बाद में आएंगे वो कैसे। लेकिन अभी हम हेगेलियन डायलेक्टिक्स, हेगेलियन प्रपोजिशन पे बात कर रहे हैं हम, मटीरियल कारणों पर कि कब चीजें बदलती हैं, अभी हम इस पे आए नहीं है यहां पर, ये हम टेक्स्ट के लॉजिक को फॉलो करते हैं, ना कि हम लोग अपने हिसाब से आगे बढ़े, उसमें हम टेक्स्ट के लॉजिक को फॉलो करते हुए चलते हैं। टेक्स्ट जैसे जैसे चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेगा हम लोग उस तरीके से अपना लॉजिक बिल्ड करते हुए चलेंगे। तो एंगल्स पहले हेगेल के लॉजिक को पुट अप करते हैं आपके सामने, उसके उसके अंदर ही मौजूद एक कॉन्ट्रडिक्शन को सामने दिखाते हैं कि उसमें अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो उनका प्रपोजिशन है वो कॉन्ट्रडिक्ट्री है, उसमें डायलेक्टिकल जो उसका डायलेक्टिकल मेथड है, यहां पर बार बार जो शब्द यूज करते हैं डायलेक्टिकल मेथड, जो डायलेक्टिकल मेथड है वो कैसे उसके अंदर के कॉन्ट्रडिक्ट्री है, वो एक प्रपोजिशन अपने बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट में तब्दील हो जाता है। यहां पर मेरे ख्याल से साथी संजय बात क्लियर हो गई होगी, यहां पर हम लोग जो बात कह रहे थे वो उस सेंस में जो मैंने कहा कि वो हेगेलियन प्रपोजिशन के हिसाब से अगर हम लागू करें भारतीय परिस्थितियों पर तब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो तुरंत अपने दूसरे उलट में भी बदल जाता है। अभी हम रियालिटी का एनालिसिस अभी यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम उसके डायलेक्टिक्स का, डायलेक्टिक्स क्या है, हेगेल ने उसको कैसे पेश किया, और जिस कंटेक्स्ट की बात जहां से शुरू की थी एंगल्स ने, स्टार्क ने जब फायरबाख के ऊपर जो किताब लिखी उस दौर के बारे में एंगल्स बताते हैं कि ये वो दौर था जब जर्मनी के अंदर एक फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन प्रेशर कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था, वो पैदा हो रहा था, उसके अंदर जो सबसे उसका क्रांतिकारी जो तत्व मौजूद था, जो सबसे ज्यादा उसकी क्रांतिकारी आत्मा थी, वो हेगेलियन फिलोसफी के अंदर मौजूद थी, जिसको लोग नहीं देख पाए, इसको हेनरिक हाइने ने देखा, उसके बारे में बातचीत की कि उसको, और बताते हैं उसके बारे में लोगों के मत अलग अलग कैसे थे। एक तरफ स्टेट उसको मानता था कि हाँ ये तो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, उसी को दिखाएं स्टेट हमारे पक्ष में बात कर रहा था, हमने उस सेंस में वो पहला पैराग्राफ जो एंगल्स प्रेजेंट करते हैं कि वो क्यों ऐसा प्रतीत होता था कि वो उनके पक्ष में बात है, लेकिन दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर रहा है, वो डायलेक्टिकली उसके अपोजिट में तब्दील हो जाता है। जी जी साथी, काफी हद तक क्लियर हुआ है, शुक्रिया, आगे बढ़िए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, किसी का कोई यहां पर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो प्रेजेंट कर दो। But precisely therein lay the true significance and the revolutionary character of Hegelian philosophy, to which, as the cruise of whole movement since Kant, we must here confine ourselves. Let it once and for all delve the depth loop to the finality of all product of human thought and action, truth, the cognition of which is the business of philosophy, was in the hands of Hegel no longer an aggregate of finished dogmatic statements which, once discovered, had merely to be learnt by heart. Truth lay now in the process of cognition itself, in the long historical development of science,
which mounts from lower to even higher levels of knowledge without ever reaching by discovering so-called absolute truth, a point at which it proceeds no further, where it would have nothing more to do than to fold its hands and gaze with wonder at the absolute truth to which it had attained. And what holds good for realm of philosophical knowledge holds good also for that of every other kind of knowledge and also for practical action. Just as knowledge is unable to reach a complete conclusion in a perfect ideal condition of humanity, so is the history unable to do so. A perfect society, a perfect state are things which can only exist in imagination. On the contrary, all successive historical systems are only transitory stages in the endless course of human, in the course of development of human society, from lower to the higher. Each stage is necessary, and therefore justified for the time and conditions to which it owes its origin. But in the face of new, higher conditions, which gradually develop in its own form, it loses vitality and justification. It must give way to a higher stage, which will also in its turn decay and perish. Just as the bourgeoisie by the large-scale industry, competition, and the world market dissolves in practice all stable, time-honored institutions, so this dialectical philosophy dissolves all conceptions of final, absolute truth and of absolute states of humanity corresponding to it. For it, dialectical philosophy, nothing is final, absolute, sacred. It reveals the transitory character of everything and in everything. Nothing can endure before it except the uninterrupted process of becoming and of passing away, of endless ascendancy from lower to higher, to the higher. And the dialectical philosophy itself is nothing more than the mere reflection of this process in the thinking brain. It has, of course, also a conservative side. It recognizes that different stages of knowledge and society are justified for their time and circumstances, but only so far. The conservatism of this mode of outlook, is relative. Its revolutionary character is absolute, the only absolute dialectical philosophy admits. It is not necessary here to go into the question of whether this mode of outlook is thoroughly in accord with the present state of natural science, which predicts a possible end even for the earth and for its habitability, a fairly certain one, which therefore recognizes that for the history of humankind, mankind too, there is not only an ascending but also a descending branch. At any rate, we still find ourselves a considerable distance from the turning point at which the historical course of society becomes one of descent, and we cannot expect Hegelian philosophy to be concerned with a subject which natural science in its time had not at all placed upon the agenda as yet. इस पर बात करते हुए चलते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एक एक जो पैसेज आ रहे हैं जितने, वो पैसेज बहुत, एक पूरा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है, उस पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो इस प्रसाइसली इसी इसका जो एक ये जो रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, to all that comes into being deserves to perish, जो कुछ भी अस्तित्वमान है, जो कुछ भी विद्यमान है, अस्तित्वमान है, वो नष्ट होने योग्य है, वो अपने आप को प्रक्रिया में नष्ट कर लेता है। ये कहते हैं कि इसका जो सबसे ज्यादा अपने हेगेलियन फिलोसफी का जो सबसे क्रांतिकारी चरित्र है, और असल में हम लोग उसका जो कोर है, ट्रू कोर है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो यही है कि वो मनुष्य के विचारों का और उसके उसकी कार्यवाहियों का, उसके थॉट और एक्शन की फाइनलिटी को, एक कोई फाइनल डेस्टिनेशन को, एक कोई एक परफेक्ट सोसाइटी को, एक फाइनल मंजिल को, किसी भी एक फाइनल के थॉट्स आकर यहां खत्म हो जाते हैं। एक आखिरी ये आइडियोलॉजी है, आखिरी फिलोसफी है, इतिहास के अंत का, हर एक चीज के इस किस्म के अंत का के ऊपर एक चोट करता है, एक निर्णायक चोट करता है, एक प्राणांतक चोट करता है। ये है, सबसे पहले ये बताता है कि सत्य अभी तक, जिसको ये माना जाता था कि जो दर्शन
जिसका संज्ञान दर्शन बताता है कि दर्शन के जरिए जिसका संज्ञान हम हासिल करते हैं, अगेन बताते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है कि हम सम टोटैलिटी ऑफ ये कोई 10 कमांडमेंट्स कहीं रिटन 10 स्टेटमेंट्स नहीं है, कुछ लिखे लिखाए कुछ किसी किताब में मसीहा द्वारा बताई गई कुछ उक्तियां नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक 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 प्रक्रिया में वास्तव में समझा जाना है, प्रक्रिया में उसको लगातार डिस्कवर किया जाना है। और ये खुद जो कॉग्निशन की प्रोसेस है, जो संज्ञान की प्रक्रिया है, जिसमें विज्ञान लगातार अपने निम्नतर मंजिल से उन्नतर मंजिल तक पहुंचता चला जाता है, जिसमें लगातार नॉलेज लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ लगातार आगे बढ़ती है, जो हम लोगों ने ऑन प्रैक्टिस में पढ़ा था शुरुआत में कि ज्ञान हमेशा उजले से गहरेपन की ओर पहुंचता है और वो कभी ना खत्म होने वाले किसी एब्सोल्यूट ट्रूथ पर जाकर पहुंचकर एक पॉइंट पर आकर रुकता नहीं है, जिस पर जाकर मनुष्य के पास कुछ और काम ना बचा हो उस एब्सोल्यूट ट्रूथ को निहारने के अलावा, वो बैठकर उसको बस देखे जिस फाइनल उस पर पहुंच गया हो। और जो फिलोसॉफिकल नॉलेज के बारे में असल में होल्ड करता है, वो सभी किस्म के नॉलेज के बारे में होल्ड करता है, सारे किस्म के प्रैक्टिकल एक्शन के बारे में होल्ड करता है। जैसे नॉलेज भी कभी अपने परफेक्ट किसी एक फाइनल फाइनल थॉट पर, किसी एब्सोल्यूट थॉट पर नहीं पहुंचती, उसी तरीके से मनुष्य की स्थिति, उसके समाज की स्थिति, कोई भी एक परफेक्ट सोसाइटी नहीं बन सकती, एक परफेक्ट स्टेट नहीं आता, ये सिर्फ मनुष्य की कल्पनाएं हैं। हर अभी तक के जितने भी ऐतिहासिक व्यवस्थाएं रही हैं, वो अपने आप में एक के बाद एक मनुष्य के समाज के निम्न से ऊंचे बढ़ने तक की तमाम ट्रांजिटरी स्टेजेस हैं, लगातार एक के बाद आने वाली दूसरी मंजिलें हैं, और हर मंजिल अपने आप में जरूरी है, जो जिसका अपने जब वो पैदा हुई, जिन वक्त में पैदा हुई, उसके पीछे निश्चित कारणों के कारण वो आवश्यक थी, वो जरूरी थी, वो जस्टिफाइड थी। लेकिन जैसे ही उन्हीं परिस्थितियों के भीतर एक नया नई परिस्थितियों के नया सामाजिक परिस्थितियों के पैदा होने की शर्त पैदा होने लगती है उन्हीं के गर्भ में, तो नया समाज पैदा होता है, नई स्थितियां पैदा होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने खासतौर पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब हम लोग पढ़ रहे थे, सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपियन पढ़ रहे थे, समाजवाद काल्पनिक एवं वैज्ञानिक, तो हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की थी कैसे अगर हम उदाहरण सामंती व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के अस्तित्व में आने का, और समाजवाद काल्पनिक वैज्ञानिक के तीसरे हिस्से में जो सबसे अंतिम हिस्से में एंगल्स कैसे बताते कि किस तरीके से पूंजीवाद के भीतर ही कुछ शर्त बन जाती है, किस तरह से उसकी स्थितियां तैयार होती हैं, वो अपने आप में उसके तरह से वैसे ग्रो नहीं करते, स्थितियां तैयार हो जाती है समाजवाद तक कदम बढ़ाने की, जो हम लोगों ने बात किया था किस तरह से जो लेनिन भी जिसको कहते हैं मोनोपोली कैपिटलिज्म ईव ऑफ रेवोल्यूशन है, ईव ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, वो स्थितियां खुद में अपने आप में पुरानी व्यवस्थाओं के भीतर ही तैयार हो जाती हैं। इवन साइंस में, इवन आर्ट में, हर फील्ड में आप देखिए तो पुराना जो मेथड है, पुराना जो काम करने का तरीका है, वो लगातार एनरिच होता रहता है, जब तक कॉपरनिकन मेथड से आगे बढ़कर जब नए ऑब्जर्वेशन इतने ज्यादा इकट्ठे होते चले जाते हैं कि आपको एक नया सिस्टम चाहिए होता है, तब गैलीलियन सिस्टम आता है, कॉपरनिकन सिस्टम को वो प्रूव करके नए तरीके से स्थापित करते हैं, कैप्लर लॉज ऑफ मोशन आते हैं और उनको एक नए कदम पर न्यूटन बढ़ाने का काम करते हैं, न्यूटोनियन लॉज आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक कदम ब कदम करते करते हम लोग मैक्सवेल तक पहुंचते हैं और उसके आगे डेवलप होकर उसको आगे बढ़ाने का काम, नए तरीके से आइंस्टीन पहुंचाने का काम करते हैं। इवन कला के क्षेत्र में हम देखें तो जो क्लासिसिज्म से लेकर रोमांटिसिज्म से लेकर इंप्रेशनिज्म के दौर से, एक्सप्रेशनिज्म के दौर से और सोशलिस्ट रियलिज्म तक पहुंचना, ये दौर में हर एक दौर के भीतर से कला के जो रूप हैं, आर्ट के जो ट्रेंड्स हैं, वो कैसे उसके भीतर नई नई चीजें आती रहती हैं, अब्सॉर्ब होती रहती हैं और एक वक्त आता है जब पुरानी चीजें टूट कर बिखर कर नए उसमें पहुंचती है। अगर हम नेचर से और एग्जाम्पल लें, इवोल्यूशन का एग्जाम्पल लें, स्पीशीज
जो लगातार इवॉल्व होती है, एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में तब्दील हो जाना, या और उदाहरण ले जो पूरा जियोलॉजी की जो स्टडी है, कैसे परत दर परत धरती की परतें किस तरीके से लगातार बदलती हैं और पूरा लगातार ज्योग्राफी बदलती रहती है उसके कारण, वो भी एक 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 चीजें लगातार डेवलप होती हैं, बदलती रहती हैं, हर एक चीज में कोई एक अंतिमता नहीं, कोई एक आखिरी मंजिल नहीं है, ना पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई अंतिमता है जहां पर जाकर विश्व किसी एक स्टेडी स्टेट में, एक फाइनल स्टेट में पहुंचने वाला है जहां पर जाकर थम जाएगा, ना मनुष्य के समाज में, और जो समाज का रिफ्लेक्शन उसके उसके मस्तिष्क पर होता है, उसके चिंतन में भी, उसके चिंतन में भी जो उसके नॉलेज है वो भी किसी फाइनालिटी पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है अभी, लेकिन हम लोग उसी लॉजिक पर रहे जहां जिस लॉजिक से इंग्लिश चल रहे हैं, उस हेगेलियन मेथडोलॉजी में वो बता रहे हैं कि जैसे किस जिस तरीके से खुद रियालिटी का अपने आप में रिफ्लेक्शन है और रियलिटी खुद डायलेक्टिकली डेवलप होती है, वो एंडलेस तरीके से लगातार डेवलप होती है, चाहिए वो हमारा यूनिवर्स हो, हमारे अर्थ पर हमारा जो पूरा वक्त है वो लगातार चीजें कैसे बदलती रहती हैं, या खुद हमारा समाज वो लगातार कैसे बदलता रहता है। उसमें जब हम लोगों ने और विस्तार से जब हम दूसरे क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के बीच का टकराहट होती है जो कि असल में समाज को लगातार आगे बढ़ाने का करती है, उसका ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है जिसकी वजह से सोसाइटी आगे ग्रो करती है, ग्रो होती हुई उत्पादक शक्तियों के अनुसार ही, मतलब विकसित होती हुई उत्पादक शक्तियों के अनुसार ही उत्पादन संबंध होते हैं, और जब वो उत्पादक शक्तियों के विकास को पुराने उत्पादन संबंध एक तरीके से रोकने लगे, उनके पैरों में बेड़ियां बनने लगे, तो उन उत्पादन संबंधों को तोड़कर उत्पादक शक्तियां आजाद होती हैं और क्रांतियों के युग के शुरुआत होती है। इसी यही ये जो पूरा इस पूरे उसको हम लागू करें जिसमें ये बात आ रही है, जो पूरा डायलेक्टिकल फिलॉसफी अपने आप में यही है कि कैसे एक एक करके एक एक मंजिल में चीजें ग्रो करती हैं। ह्यूमन नॉलेज की भी स्टेजेस है, डेफिनेट स्टेजेस है, ह्यूमन सोसाइटी की भी डेफिनेट स्टेजेस है, और वो नित निरंतर ग्रो करती हैं, बदलती हैं। हाँ, निश्चित रूप से उसमें कहते हैं एक पक्ष उसका है जो एक रिलेटिव पक्ष है, उसमें जहां पर एक रिलेटिवली आपको प्रतीत होता है कि इक्विलिब्रियम है, चीजें अपने स्थायित्व में है। वो कहते हैं कि बदलाव, एकमात्र बदलाव चीजों में निरंतर बदलाव जो है वो निरपेक्ष है, और यही एकमात्र निरपेक्ष है पूरे डायलेक्टिकल फिलोसफी में, लेकिन सापेक्षिक तौर पर कोई मंजिल में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो अभी स्थायी है, वो रुकी हुई है, वो इक्विलिब्रियम में है। वो कहते हैं कि वो स्थायित्व भी उसका वो कंजर्वेटिव साइड है, लेकिन वो रिलेटिव है, जब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलप उस समय भी चीजें बदलती हैं, उस समय लेकिन चेंजेस क्वांटिटेटिव होते हैं, कोई क्वालिटेटिव लीप नहीं लगता है, उस समय क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहे होते हैं, वो क्वांटिटेटिव चेंज लगातार आपस में बदलते रहते हैं, चीजें ग्रो करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और तब फाइनली वो क्वालिटेटिव लीप में तब्दील हो जाते हैं। जब हम लोगों ने ऑन कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ा था, उस टेक्स्ट के हिसाब से मैं बस ये उन लॉजिक को मैं यहां पर रिलेट करने की साथियों से कोशिश कर रहा हूं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, और वो कैसे वो तर्क डेवलप हो रहा है उस सेंस में मैं बस बात कर रहा हूं। आगे साथी सनी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, एक उत्सुकता है ये, इसको यदि इस रूप में देखा जाए कि कम्युनिज्म क्या वो भी ट्रांजिटरी रहेगा या उसके बियॉन्ड भी कोई सोशल मतलब कि इमेजिनेशन है, क्योंकि जब थिंग्स आर इन मोशन, वो हर चीज मोशन में है, ट्रांजिटरी है, प्रोसेस में है, तो ये कम्युनिज्म का के बियॉन्ड भी चीजें होंगी क्या उसके, मतलब कि अभी तक तो हम लोग का ये समझ कि कम्युनिज्म एक ऐसा स्टेज होगा जहां ह्यूमैनिटी एक अपने उत्तम अवस्था में पहुंचेगी, कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण नहीं करेगा, चीजें बिल्कुल दूसरे तरह की होगी, तो लेकिन ये जो पूरी डायलेक्टिक्स का जो फिलॉसफी है उसके यदि अप्लाई करे तो उसके बियॉन्ड भी चीजें बदलेंगी, कम्युनिज्म के बाद भी तो चीजें होंगी, या फिर वो क्या मतलब प्रिमिटिव कम्युनिज्म और ये जो पूरा सर्कल का एक
है कि प्रिमिटिव, फिर सेलेबरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, वो पूरा एक सर्कल करेगा या फिर ये लीनियर वे में जाएगा? जस्ट ये मेरी उत्सुकता है शायद और भी लोगों की होगी कि इस पर थोड़ा सा आप कुछ प्रकाश डालेंगे। मतलब ये तो ऑलरेडी वैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि मार्क्स हमेशा कम्युनिज्म को इस सेंस में नहीं कहते थे, कोई वो अवस्था नहीं है, वो एक एक, एक इतिहास का एक डायरेक्शन है जिस तरफ चीजें जा रही हैं। पहली चीज तो मार्क्स हमेशा इसको इस तौर पर बोलते थे। दूसरा, कम्युनिज्म कोई एक ऐसी मंजिल नहीं है जहां पर अंदर विरोध ना हो, जहां पर विकास ना हो। कम्युनिज्म के मार्क्स हमेशा बात करते थे लोअर स्टेजेस ऑफ कम्युनिज्म और हायर स्टेजेस ऑफ कम्युनिज्म। पहली चीज तो ये कम्युनिज्म के सेंस में, जब तक जब पहली बार मनुष्य अब आवश्यकता की मंजिल से आजादी की मंजिल में जाएगा, एक उस रियल्म ऑफ नेसेसिटी से रियल्म ऑफ फ्रीडम में जाता है, तब वो सचेतन तौर पर यह तय करता है कि वो कैसे समाज की उत्पादक शक्तियों के कारण, जो एंगल्स कहते हैं कि उत्पादक शक्तियों के कारण जो अभी तक उसके ऊपर एक्ट करती थी समाज की, वो जो शक्तियां थी जिसके बारे में वो जानता नहीं था, उनको जान जाएगा तो सचेतन कंट्रोल करेगा, तब पहली बार एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो सकता है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि वो कोई एक अवस्था है जहां पर चीजें जाकर थम जाएंगी, रुक जाएंगी। वो नित निरंतर बदलाव होगा, उसमें भी नित निरंतर उत्पादक शक्तियां विकसित होंगी, विस्तारित होती रहेंगी। लेकिन वही चीज के आगे कहां जाएंगी चीजें, हम लोगों की जितनी जितना आज के वक्त में हम लोग बता सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल चीजें निश्चित रूप से उन्नत होंगी, आगे बढ़ेंगी। इतिहास क्या टर्न लेता है, कहां जाएगा, ये कहना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, डिटर्मिनिस्टिकली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता किस तरह का होगा आने वाला वक्त, कैसा होगा। निश्चित ही कोई वापस से सर्कुलर मोशन में तो चीजें घूमती नहीं है कभी भी कि वापस से हम लोग प्रिमिटिव उसमें जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो हेगेलियन प्रपोजिशन टाइप ही हो गया कि हम लोग एक सर्किल में घूमते, चीजें स्पाइरली आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। इसके अगले ही पैराग्राफ में एंगल्स दूसरी भी बात कहते हैं। एंगल्स कहते हैं कि इतिहास में जब कांट ने पहली बार नेब्यूलर हाइपोथेसिस दी थी और वो जब प्रूवन हुई थी, जब वो सिद्ध हुई थी, तो ये भी साथ में पहली बार आया था कि क्योंकि सोलर सिस्टम का बर्थ होता है तो सोलर सिस्टम की डेथ भी होगी, और सोलर सिस्टम एक वक्त के बाद जाकर खत्म होगा, ये प्रिडिक्शन है। एक वक्त के बाद सोलर सिस्टम जो हमारा सन है वो लाइट इतनी थ्रो करना बंद कर देगा जो हमारी, जिससे हमारे समुद्र खत बताते हैं, जिससे हमारे खाने से लेकर सारी ऊर्जाएं पैदा होती है, वो ऊर्जा का स्रोत जब खत्म हो जाएगा तो निश्चित ही धरती पर जीवन की संभावनाएं खत्म होंगी। मनुष्यता ऐसी संभावनाएं कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि सिर्फ एक सोलर सिस्टम नहीं है, मतलब अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं मैं तो इसी तरह से उम्मीद करता हूं। एक हार्डेन का एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल है जिसमें वो बात करते हैं कि मतलब वो एक साइंस फिक्शन की तरह लिखी हुई कहानी है जिसमें वो बात करते हैं कि हम लोग कैसे बियॉन्ड सोलर सिस्टम जाएंगे और यूनिवर्स में बहुत सारी, अभी मिल्की वे के अंदर बहुत सारे और भी ग्रह उपग्रह हैं जहां पर जीवन की तलाश की जाएगी और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और बहुत ही शानदार वो कहानी है। और इस तरह के मतलब अभी तो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज जब खुलेंगी तो मुझे नहीं पता कितनी संभावनाएं खुलेंगी, लेकिन इसमें कहीं पर यह नहीं है कि परफेक्ट स्टेट नहीं है कम्युनिज्म, फाइनल स्टेट नहीं है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक डेवलप करती हुई स्टेट है जिसमें प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस के बीच में निरंतर टकराहट है, चीजें बदलती हैं। इसी के बारे में माओ भी बात करते हैं, इसी के बारे में मार्क्स एंगल्स सबने बात की कि चीजें उसमें भी लगातार उन्नतर होती जाएंगी, और वो कोई एक अवस्था को नहीं समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं। जो जर्मन आइडियोलॉजी में पहली बार मार्क्स ने कहा था कि हम लोग कोई कम्युनिज्म को एक मंजिल की तरह नहीं देखते, हम एक ऐसे रूप, एक चीजों का एक ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतिहास उसको धकेल के किस तरफ लेकर जा रहा है, इतिहास का मोशन है। इट इज द रियल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये हालांकि ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा था इट इज नॉट नेसेसरी टू गो दिस, थोड़ी आवाज कम आ रही है सुरेश। कह रहा था लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा था जहाँ पे वो नेचुरल साइंस और इसकी और ये बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा हाँ हाँ
मतलब इसमें ये मतलब यही बात है, मैं कह रहा हूँ ये जिस लॉजिक से प्रोसीड करते हुए एंगल्स यहाँ पर बोल रहे हैं, कांट का जब ये थ्योरी आई थी नेबुलस हाइपोथेसिस, उसके बाद से एक पॉपुलर एक खासतौर पर 70s-80s में एक ये साइंटिफिक इस तरह के प्रेडिक्शंस आने शुरू हो गए थे कि सन भी अपने आप में एक समय के बाद डेड हो जाएगा। डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर में भी एक जगह टेक्स्ट इंट्रोडक्शन में एंगल्स ये कहते हैं कि जब अर्थ धीरे धीरे करके सूरज की जो ऊर्जा है वो बुझ जाएगी, उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी, तो अर्थ पर धीरे धीरे लाइफ खत्म हो जाएगी, कोई मनुष्य की आंख नहीं रहेगी इसको ऑब्जर्व करने के लिए, चीजें क्या होंगी, तब भी चीजें बदलेगी, चीजें ग्रो करेंगी, डायलेक्टिकली चीजें मूव करती है। मतलब वो उसी सेंस में बात करते हैं, ऑल दैट कम्स टू बीइंग डिजर्व्स टू पेरिश, कि चीजें खत्म भी हो सकती हैं, जिस तरीके से हम लोग उन्नतर मंजिले हैं चीजें आगे बढ़ती हैं, उस तरह से डेथ की तरफ भी चीजें जाती हैं। चीजों का ग्रो होना और चीजों का खत्म होना अपने आप में चलता रहता है, जिस तरह से उसके स्पाइरल अप है स्पाइरल डाउन भी हो सकता है, लेकिन स्पाइरल डाउन हुबहू ऐसा नहीं होगा, खत्म होना अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन वो अवस्था के बारे में मैं भी वही कह रहा हूँ, निश्चित ही ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इस कंक्लूजन से सहमत नहीं हूं। यहां पर एंगल्स उस वक्त के अनुसार बात कर रहे हैं, हम आगे बात कर सकते हैं, आज हम जितनी डिस्कवरीज और जितना हमारा नेचुरल साइंस आगे बढ़ चुका है और जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहा है उसमें हम लोग आगे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत पॉसिबिलिटीज है सिर्फ अर्थ के सिस्टम्स पे नहीं, मतलब लेकिन ये क्वेश्चन अभी वही जो लखनऊ ने कहा था जिंदा लोग जिंदा सवालों पर सोचते हैं, अभी के लिए हमारा लिए ये सवाल नहीं है। एंगल्स उस पर कहते हैं कि वैसी और मंजिलें भी हो सकती हैं, क्योंकि नेचुरल साइंस उस मंजिल पे नहीं पहुंचे जिस तरह से ये बताते हैं, तो उसका भी जिक्र करने की बात नहीं है यहाँ पर, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस पर भी हम बात भी कर सकते हैं, दोनों तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है नेचुरल साइंस इसी एक ही बात प्रेडिक्शन देता है, उससे हम लोगों को कई सारे प्रेडिक्शन मिल सकते। आगे हम लोग बढ़े, बट यहां से ना बट वॉट मस्ट इन फैक्ट बी सेट हियर इज दिस दैट इन हेगेल द व्यूज डेवलप्ड अबव आर नॉट सो शार्पली डिलिनिएटेड, दे आर अ नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम हिज मेथड, बट वन विच ही हिमसेल्फ नेवर ड्रू with such explicitness, and this indeed for the simple reason that he was compelled to make a system and in accordance with traditional requirements a system of philosophy must conclude with some sort of absolute truth. Therefore, however much Hegel, especially in his logic, emphasized that this eternal truth is nothing but the logical or the historical process in itself, he nevertheless finds himself compelled to supply this process with an end, just because he has to bring his system to a termination at some point or other. In his logic, he can make this end a beginning again, since here the point of the conclusion, the absolute idea, which is only absolute insofar as he has absolutely nothing to say about it, alienates, that is, transforms itself into nature, and comes to itself again later in the mind, that is, in thought and in history. But at the end of whole philosophy, a similar return to the beginning is possible only in one way, namely by conceiving of end of history as follows. Mankind arrives at the cognition of the self-same absolute idea and declares that this cognition of absolute idea is reached in Hegelian philosophy. In this way, however, the whole dogmatic content of Hegelian system is declared to be absolute truth, in contradiction to his dialectical method, which dissolves all dogmatism. Thus, the revolutionary side is smothered beneath the overgrowth of conservative side, and what applies to philosophical cognition applies also to historical practice. Mankind, which in person of Hegel has reached the point of working out the absolute idea, must also in practice have gotten so far that it can carry out this absolute idea and reality. Hence the practical political demands of absolute idea on contemporaries may not be stretched too far. And so we find at the conclusion of the philosophy of right that the absolute idea is to be realized in that monarchy based on social estates
which Frederick Wilhelm III so persistently but vainly promised to his subjects, that is, in a limited, moderate, indirect rule of possessing classes suited to petty bourgeois German conditions of that time, and, moreover, the necessity of nobility is demonstrated to us in a speculative fashion. The inner necessities of system are, therefore, of themselves sufficient to explain why a thoroughly revolutionary method of thinking produced an extremely plain political conclusion. As a matter of fact, the specific form of this conclusion springs from this, that Hegel was a German, and like his contemporary Goethe, had a bit of Philistine's cue dangling behind. Each of them was an Olympian Zeus in his own sphere, yet neither of them were quite freed himself from German Philistinism. इसपे बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसपे थोड़ा सा और ये पूरा उसका आधार पर बात आई है फिलोसफी के उसके उस पर, जो मार्क्सिज्म कैसे फिलोसफी को देखता है और उससे पहले कैसे फिलोसफी मौजूद थी, उस पर एक बातचीत यहां पर आई है। इसको जब हम पढ़ें तो इस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जो ऊपर हम लोगों ने जितनी भी बात रखी है, जो इससे पहले वाला जो पैसेज था खासतौर पर, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही डायलेक्टिक्स को जिस तरह से इंग्लिश पेश करते हैं और जिसको हम लोगों ने विस्तार से उसमें बात की, वो खुद कहते हैं कि ये हेगेल ने अपने आप में इस तरह से उसको बात को पेश नहीं किया है, ये हेगेल के डायलेक्टिकल मेथड से, उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति से। जिन भी साथियों के पास हिंदी में ये अगर लुडविग फायरबाख किताब है हिंदी में अगर होगी, कुछ साथियों ने जो एक चलता हुआ आ रहा पब्लिकेशन है उसे हिंदी में, उसमें यहां पर जो ट्रांसलेशन है वो गलत ट्रांसलेशन है। उसमें डायलेक्टिकल मेथड को द्वंद्वात्मक विधि बोला गया है और हेगेलियन सिस्टम को द्वंद्वात्मक मेथड बोला, हेगेलियन सिस्टम को हेगेलियन मतलब हेगेलियन पद्धति बोला गया। आमतौर पर पद्धति मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और मैं उसी चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं मेथड को पद्धति बोल रहा हूं, सिस्टम को सिस्टम के तौर पर। मैं सिस्टम और मेथड में अभी प्रेफर कर रहा हूं। जब भी बात आएगी तो जो भी साथी हिंदी में पढ़ेंगे वो उसका ख्याल रखें कि उसमें इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहां पर जहां पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें जो सिस्टम है उसको हिंदी की किताब में पद्धति के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन पद्धति को आमतौर पर मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मेथड की बात आती है तो डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं, जिसको रेवोल्यूशनरी साइड कहते हैं। सिस्टम को जब भी एंगल्स बोलते हैं तो उसको आइडियलिस्ट सिस्टम के तौर पर बताते हैं, जिसके बारे में अभी बात आएगी। मैं बस ये क्लियर कर रहा था, यही जो डिविजन है, यही जो क्लैरिटी है, सिस्टम का एंड होता है जब लुडविग फायरबाख एंड एंड ऑफ क्लासिकल जर्मन फिलोसफी, इसका एंड अपने आप में इस सिस्टम का भी एंड है, फिलोसफी के सिस्टम का भी एंड है। जो फिलोसफी सिस्टम को बनाने के लिए मजबूर थी, जो इस पर बात आती है यहां पर, जो बात अगली बात आई है कि हर एक फिलोसफी अपने आप में मजबूर थी एक सिस्टम बनाने के लिए, टू मेक अ सिस्टम, एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए वो मजबूर थी जो कि अंततः उसकी एक सिस्टम ऑफ फिलोसफी हो, व्यवस्था हो दर्शन की, जो कि एक निरपेक्ष सत्य को खोज निकालती है। वो सत्य निरपेक्ष सत्य पर निकालकर इसके बाद अंततः दर्शन अपने अंत पर पहुंचता है। दर्शन के पास अब और कुछ काम नहीं रह जाता है। आज तक पूरी मानवता इसीलिए संघर्ष कर रही थी, इसीलिए वो पैदा हुई और सब कुछ आई कि अंततः जाकर ये फिलोसोफर आते और वो जाकर इस एब्सोल्यूट ट्रूथ को खोज निकालते। और हर फिलोसफिकल सिस्टम अपने आप को फाइनल बताता है, अपने आप को एब्सोल्यूट बताता है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को डिस्कवर करने वाला बताता है, निरपेक्ष सत्य को खोज निकालने वाला बताता है। उसने निरपेक्ष सत्य को खोज निकाला है। हेगेल बार बार ये कहते हैं लॉजिक में कि जब मैं बात कर रहा हूं ट्रूथ की, अपने आप में जो इटर्नल ट्रूथ है वो कुछ नहीं है, वो प्रक्रिया है, वो अपने आप में चलती आ रही प्रक्रिया है, लेकिन खुद वो इस सबको बोलने के बावजूद भी एक सिस्टम बनाने को मजबूर है। जो क्लासिकल ट्रेडिशन है फिलोसफी का, जो क्लासिकल ट्रेडिशन है, जिसमें अंत पे आके सिस्टम कहीं ना कहीं अंत होता है, व्यवस्था एब्सोल्यूट ट्रूथ फाइंड हो जाता है,
और फिलोसफी अपने एंड पर खड़ी होती है, चीजें वहां पर जाकर वास्तव में पाती है कि भाई अब और कुछ नहीं बताया फिलोसफी को, फिलोसफी अपने आप को, अपने आप एब्सोल्यूट ट्रूथ को खोज चुकी है। हेगेल उसको इस तौर पर बताते हैं कि भाई हेगेल का जो लॉजिक में है कि भाई एब्सोल्यूट आइडिया था, डेमियूर्गोस था, डेमियूर्गोस ने अपने एक हिस्से को एलियनेट किया, प्रकृति को जन्म दिया। प्रकृति में वापस से जब एक वक्त के बाद थॉट और हिस्ट्री में, इतिहास में और विचार में वापस से एब्सोल्यूट आइडिया धीरे धीरे रफ फॉर्म में अपीयर करता है और धीरे 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 करते वो शाइन करता चला जाता है, जैसे डायमंड पॉलिश होता है, धीरे धीरे पॉलिश होता चला जाता है, फाइनली वो एब्सोल्यूट आइडिया पर, हेगेलियन सिस्टम पर वापस पहुंचता है, इतिहास अपने जहां से शून्य से शुरू होता है वहीं पर जाकर खत्म कर लेता है अपने आप को। डेमियूर्गोस हेगेलियन आइडियलिज्म यही है ना कि जैसे वह बिग बैंग को इस तौर पर, बिग बैंग हेगेल ने कहा वो बिग बैंग कुछ नहीं था, वो एब्सोल्यूट आइडिया ने शुरू किया था कुछ चीज और उसके बाद से प्रकृति आगे बढ़ रही थी और वो आइडिया ही था, जो भी कुछ था वो आइडिया की जर्नी है, वो आइडिया की जर्नी है, उस विचार की यात्रा है, इतिहास में और चिंतन में जो प्रकट होती है, जो अपने आप को और ज्यादा उन्नतर 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 करती चली जाती है, यानी कि वो विकास को मानते हैं, डेवलपमेंट को बताते हैं, मंजिलों को बताते हैं और एक मंजिल कैसे आगे बढ़ती है, किस तरीके से और आगे ग्रो करती चली जाती है, सबको बताते हैं, लेकिन वो विचार, वो उस विचार की यात्रा है, उस निरपेक्ष विचार की यात्रा है और वो निरपेक्ष विचार ही है जो खुद के बारे में खुद का संज्ञान करता है इस पूरे प्रक्रिया के जरिए। और जब जब आप वापस से उस निरपेक्ष विचार पर पहुंच जाते हैं तो हेगेलियन फिलोसफी है, हेगेलियन फिलोसफी पर पहुंचना यानी कि इतिहास के अंत तक पहुंचना है और इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। जैसे ये जो पूरा जो हेगेलियन सिस्टम है अपने आप में डॉगमेटिक है, अपने आप में चीजों के अंदर अंत तक पहुंचता है, जबकि हेगेलियन मेथड जो है यानी कि जो डायलेक्टिकल मेथड है वो खुद में ये मानता है, जो हम लोगों ने ऊपर इससे ऊपर जस्ट बातचीत की थी कि अंतिम ना तो व्यवस्था अंतिम हो सकती है ना मनुष्य किसी भी स्तर पर उसकी नॉलेज में ज्ञान उसका कोई आखिरी मंजिल उसकी ज्ञान की नहीं हासिल हो सकती है, उसका लगातार ज्ञान विकसित होता है, वो ज्यादा से गहरे से गहरा होने की तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन खुद हेगेलियन सिस्टम इसके कॉन्ट्रडिक्शन में इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और कुल मिला के कहें कि हेगेलियन मेथड के ऊपर ये जो हेगेलियन सिस्टम है ये भारी पड़ता है उसके ऊपर, उसको कवर करके उसको एक आउटर शेल की तरह उसके ऊपर एक भारी पड़ने का काम करता है। ये इसके इस पूरे जो साथ में कहते हैं कि जो बात चिंतन की प्रक्रिया पे, संज्ञान की प्रक्रिया पे, दार्शनिक संज्ञान की प्रक्रिया पे, फिलोसॉफिकल कॉग्निशन की प्रोसेस पे लागू होती है, वही बात ऐतिहासिक व्यवहार पे भी लागू होती है, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस पे भी लागू होगी, यानी कि इतिहास में मनुष्यता भी आखिर में हेगेल के जरिए उस निरपेक्ष विचार पर जब पहुंच गई कि अब निरपेक्ष विचार हमने खोज निकाला हेगेलियन सिस्टम के जरिए, हेगेलियन सिस्टम पे पहुंचकर, तो वो इतिहास का भी अंत है। और इतिहास का अंत किस रूप में होता है, जो जो फिलोसफी ऑफ राइट में बताते हैं कि भाई जो फ्रेडरिक विलहम थर्ड की एक तरीके से जो राजनीतिक सत्ता है वही इतिहास का अंत है, वही फाइनल राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो कि मनुष्यता जिसको हासिल करने के लिए अब तक संघर्ष कर रही थी, वो एब्सोल्यूट आइडिया उसने खोज निकाला, वहां पर जाकर इतिहास का अंत होगा कि ये इस तरीके से होगा, यानी कि अपने आप के इस हेगेलियन सिस्टम की उसने अपने आप उसने जो डेवलप किया सारी चीजें की उसके साथ जुड़ा हुआ उसका क्रांतिकारी पद्धति है, रेवोल्यूशनरी मेथड उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बहुत ही क्या कहें छिछले किस्म के राजनीतिक निष्कर्षों पर पहुंचने को मजबूर होती है हेगेलियन सिस्टम, जो क्योंकि उसका वो अपने पाए बर्थ की हेगेलियन सिस्टम अपने आप में, जैसे वो कहते हैं कि वो अपने पीछे एक जर्मन फिलिस्तीनिज्म का एक चोटी हेगेल के सिर पे भी मौजूद थी, जैसे गेटे के भी चोटी मौजूद थी, इस तरह का वो थोड़ी सी वो चोटी उनकी उसको मजबूर करती, वो जाइंट्स थे लेकिन उसके बावजूद भी इससे मुक्त नहीं हो सकते थे अपने इस पूरे फिलिस्तीनिज्म से और इस बात से कि भाई वो इससे खुद को मुक्त कर पाते, हेगेलियन सिस्टम से वो अपने आप को मुक्त कभी नहीं कर पाए
मतलब मुक्त क्या नहीं कर पाए, वो ही उनका बेसिक प्रपोजिशन है, वहीं से वो शुरुआत करता है अपनी बात कहता है। ये बात क्लियर हो रही है? हेगेलियन मेथड और सिस्टम के बीच में यहां से हम लोग फर्क करते हुए चल रहे हैं कि पहली बार, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे मार्क्सिज्म जहां से शुरुआत होता है, मार्क्सिस्ट फिलोसफी सिस्टम का एंड कर देती है, वहीं से पहली बार वर्ल्ड व्यू की शुरुआत होती है। वहां पर पहली बार बात करते हैं हम लोग, कोई फाइनल सिस्टम की बात ही नहीं वो करता, वो कहता है मेथड, डायलेक्टिकल मेथड और एक वर्ल्ड व्यू, क्योंकि वो जो लगातार बदलती है, चीजें बदलती है, उसको स्वीकार करता है। अप्रोच के सेंस में बात करते हैं हम, वर्ल्ड व्यू जो चीजों को देखने का, आप यूनिवर्स से लेकर आप अपने धरती पर समाज में चिंतन की प्रक्रिया में हर जगह पर जो आपके विश्व दृष्टिकोण है उसको वो रिप्लेस करता है। मार्क्सिस्ट जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है, मार्क्सिस्ट फिलोसफी अगर हम कहें तो उसमें सिस्टम नहीं है मार्क्सिस्ट फिलोसफी के अंदर। और इसी सेंस में यहां पर अगर ये जर्मन फिलोसफी का, क्लासिकल जर्मन फिलोसफी का एंड होता है, क्योंकि फायरबाग भी इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आगे आएंगे। फायरबाग मटीरियलिस्ट होते हुए भी, हेगेल का क्रिटिक करते हुए भी, सिस्टम बनाने के लिए मजबूर थे, वो भी एक सिस्टम बनाने की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि एक सिस्टम की हमें जरूरत है, वो एक फायरबाग अपने फिलोसॉफिकल सिस्टम को प्रपोज करते हैं, उस पर हम लोग आगे आएंगे जब बात आएगी। लेकिन ये बात क्लियर हो रही है ना, सिस्टम जिसमें वो बताते हैं कि भाई अभी तक की जो पूरी दुनिया अस्तित्व में आई है, वो क्यों आई है अस्तित्व में, वो कैसे बन रही है, वो असल में एक एब्सोल्यूट आइडिया था जो चला और आखिर में आकर खत्म है। ये सिस्टम है, उसके प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस, चीजें कैसे बढ़ती हैं, उसका मेथड डायलेक्टिकल। हेगेल भी उस सिस्टम में, उस व्यवस्था को बनाने के लिए मजबूर थे जो चली आ रही है, टेंडेंसी थी एब्सोल्यूट ट्रूथ फाइंड करने के लिए, आखिर में एक निरपेक्ष सत्य खोज निकालने के लिए, एक निरपेक्ष सत्य हम निकाले। ये बात क्लियर हो रही है, हम लोग आगे बढ़े, अगर इस पर ये क्लैरिटी है तो हम लोग आगे बढ़े, इस पर हम लोग थोड़ी और बात करें। साथ ही एक सवाल है, कुछ राइटर का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो हेगेल का एब्सोल्यूट आइडिया है वो इस वेरी अकीन टू गॉड, जो ईश्वर का जो पूरी जो अवधारणा है उससे बहुत कुछ मिलता है, मतलब और लास्टली जो है वो ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, फिर वो घूम फिर के वहीं जाएगा। तो ये इस पर क्या आपके कमेंट होगा कि जो हेगेल का जो एब्सोल्यूट है वो दैट इज वेरी सिमिलर टू गॉड? हाँ, इस पे आगे बात आएगी, मतलब इस पे टेक्स्ट पे ही बात आएगी, टेक्स्ट पे ही बात आएगी। फायरबाग पर जब, फायरबाग जब हेगेल पे कमेंट्री करते हैं उस पर जब हम बात पढ़ेंगे तो फायरबाग का जो एग्जैक्ट एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में जो क्रिटिक करते हैं वहीं पर हम लोग ये वाली बात करेंगे। ओके ओके ठीक। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। But all this did not prevent the Hegelian system from covering an incomparably greater domain than any earlier system, nor from developing in this domain a wealth of thought which is astounding even today. The phenomenology of mind, which one may call a parallel of embryology and paleontology of the mind. A development of individual consciousness through its different stages set in the form of an abbreviated reproduction of stages through which the consciousness of men has passed in the course of history. The phenomenology of mind, logic, natural philosophy, philosophy of mind, and the latter worked out in its separate historical subdivisions, philosophy of history, of right, of religion, history of philosophy, aesthetics, etc. In all these different historical fields, Hegel labored to discover and demonstrate the pervading thread of development. And as he was not only a creative genius, but also a man of encyclopedic erudition, epoch-making role in every sphere, it is self-evident that owing to the needs of the system par zor hai, matlab in quotes a system, he very often had to resort to those forced construction about which his pygmy opponents make such a terrible fuss even today. But these constructions are only the frame and scaffolding of his work.
if one may not loiter here needlessly, but presses on farther into the immense building, one finds innumerable treasures which today still possess undiminished value. With all philosophers, it is precisely the system, focus in quotes a system, which is perishable, and for the simple reason that it springs from an imperishable desire of human mind, the desire to overcome all contradictions. But if all contradictions are once and for all disposed of, we shall have arrived at so-called absolute truth. World history will be at an end, and yet it has to continue, although there is nothing left for it to do. Hence, a new, insoluble contradiction. As soon as we have once realized, and in the long term no one has helped us to realize it more than Hegel himself, that the task of philosophy thus stated means nothing but the task that a single philosopher should accomplish, that which can only be accomplished by the entire human race in its progressive development. As soon as we realize that, there is an end to all philosophy in the hitherto accepted sense of the word. One leaves alone absolute truth, which is unattainable along this path or by any single individual. Instead, one pursues attainable relative truths along the path of the positive sciences and the summation of their results by means of dialectical thinking. At any rate, with Hegel, philosophy comes to an end. On the one hand, because in his system he summed up its whole development in the most splendid fashion, and on the other hand, because even though consciously, he showed us the way out of Lebrun of systems to real positive knowledge of the world. One can imagine what a tremendous effect this Hegelian system must have produced in philosophy-tinged atmosphere of Germany. It was a triumphant procession which lasted for decades and which by no means came to a standstill on the death of Hegel. On the contrary, it was precisely from 1830 to 1840 that Hegelianism reigned most exclusively and to a greater or lesser extent infected even its opponents. It was precisely in this period that Hegelian views, consciously or unconsciously, most extensively penetrated the most diversified sciences and even popular literature and daily press, from which average educated consciousness derives its mental pabulum. But this victory along the whole front was only prelude to an internal struggle. As you have seen, the doctrine of Hegel, taken as a whole, left plenty of room for giving shelter to the most diverse practical party views. And in the theoretical Germany of that time, two things above all were practical: religion and politics. Whoever placed the chief emphasis on Hegelian system could be fairly conservative in both spheres. Whoever regarded the dialectical method as the main thing could belong to the most extreme opposition, both in politics and religion. Hegel himself, despite the fairly frequent outburst of revolutionary wrath in his works, seemed on the whole to be more inclined to the conservative side. Indeed, his system had caused him much more hard mental plugging than his method. Towards the end of the 30s, the cleavage in the school became more and more apparent. The left wing, the so-called young Hegelians, in their fight with the pre-pietist orthodox and the feudal reactionaries, abandoned bit by bit that philosophical gentility reserved in regard to the burning questions of the day, which up to that time had secured state toleration and even protection for their teachings. And even in 1840, orthodox pietism and absolute feudal reaction ascended the throne with Frederick Wilhelm IV, open partisanship became unavoidable. The fight was still carried on with philosophical weapons, but no longer for abstract philosophical aims. It turned directly on the destruction of traditional religion and of the existing state. And while in the Deutsche Sachbücher, the French, ये वो किताब जो जो पत्रिका थी जो मार्क्स ने पहली बार निकाली थी उनकी के साथ मिलके, and while in Deutsche Sachbücher, the practical ends were still predominantly put forward in philosophical disguise in the Rheinische Zeitung of 1842,
the young Hegelian school revealed itself directly as the philosophy of aspiring radical bourgeoisie and used the meager cloak of philosophy only to deceive the censorship. इस सब के बावजूद भी जो हमने ऊपर बात की कि हेगेलियन सिस्टम अपने आप में एक उसका कंजर्वेटिव ओवरऑल हेगेलियन फिलॉसफी में जो हेगेलियन सिस्टम था और हेगेलियन मेथड था वो उसका रेवोल्यूशनरी साइड था, हेगेलियन जो सिस्टम था उसका कंजर्वेटिव साइड था, सबके बावजूद भी हेगेलियन सिस्टम अपने आप में एक उससे पहले के जितने भी फिलोसफिकल सिस्टम्स आए उसके बावजूद उसने जबरदस्त तरीके से वैचारिक तौर पर जितना ज्यादा विषयों में प्रवेश किया और उसमें हम नॉलेज को ओवरऑल बढ़ाने में मदद की, वो किसी भी सेंस में बाकी सारे पुराने उस सिस्टम से पीछे रह जाते हैं। फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड में कहते हैं उसको, बिल्कुल आप एक तरीके से विचार का एम्ब्रायोलॉजी और पैलेंटोलॉजी के सेंस में देख सकते हैं। एम्ब्रायोलॉजी जो एम्ब्रायो की स्टडी होती है, कैसे अलग अलग एम्ब्रायोज डेवलप होते हैं, पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल्स की स्टडी होती है पूरी, तो वो पूरी स्टडी कैसे हिस्टोरिकली जो ह्यूमन हिस्ट्री को और पूरे एक जीव जगत के का अध्ययन है, आज जो लिविंग फॉसिल्स के रूप में हम लोग और अन्य स्पीशीज मौजूद हैं वो कैसे बनी, कैसे शुरू हुई, इसमें ये दो बेसिक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होती थी जेनेटिक्स के आने से पहले, या और जितनी नई फील्ड्स आई हैं क्लेडनिस्टिक्स और दो तीन फील्ड्स और आती हैं बायोलॉजी में, लेकिन उसमें ये दो जो फील्ड्स हैं वो उसका भी मॉडर्न बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट टूल्स थे ये बताने के लिए कि एवोल्यूशन का और पूरा आइडिया जो डार्विन का जो पूरा खड़ा हुआ था उसमें जबरदस्त करता हुई बताते माइंड डेवलप करने में, बिल्कुल उसी सेंस में जो हेगेल की एक किताब है ये भी उसी तरीके से विचार की यात्रा को उसी तौर पर पेश करती है। लॉजिक में, नेचुरल फिलोसफी में, फिलोसफी ऑफ माइंड में, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में, जो हिस्टोरिकल सब डिविजन में, हर एक उसमें पूरा एक थ्रेड ऑफ डेवलपमेंट ऑल एम्ब्रेसिंग, सब कुछ किस तरीके से डेवलप हुआ, हर एक चीज के बीच में इनर कनेक्शंस क्या है, एक दूसरे को कैसे एक वक्त का रिलीजन, एक वक्त की फिलोसफी कैसे प्रभावित करती है हर एक चीज को, उसको एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से हेगेल ने कनेक्ट किया। उसमें निश्चित ही जो उनका जो सिस्टम था, जो उनका एक एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने की वजह से था, उसमें कई जगह पर उनको इस तरह की चीजें करनी पड़ती थी जो कई बार गड़बड़ करते थे। जैसे प्लेखनोव एक जगह लिखते हैं हेगेल के अप्रिसिएशन में, उनका एक आर्टिकल है वो अगर जो साथी पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा कई जगह उसके, जो इस खासतौर पर इस पैसेज के अंदर हेगेलियन सिस्टम के कॉन्ट्रडिक्शन को प्लेखनोव उसमें उजागर करते हैं कि कैसे कैसे हेगेल को इस तरीके से इजिप्ट और इंडियन रिलीजन के ऊपर जो कमेंट्री करते हैं हेगेल, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे होते हैं और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल रूप में कई जगह पर गड़बड़ करते हैं। वो कोई पढ़ना चाहे तो वो जरूर पढ़ सकता है, जो प्लेखनोव ने हेगेल के अप्रिसिएशन में आर्टिकल लिखा है, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब हेगेल का एक परिचय के लिए, उसके इम्पोर्टेंस के लिए। किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं? हेगेल का है, हेगेलियन इस तरह से करके हेगेल के ऊपर है, लेखनोव ऑन हेगेल डालोगे तो आ जाएगा, मतलब गूगल पे डालोगे लेखनोव को आर्टिकल है। इसका जिक्र वैसे लेनिन भी एक जगह करते हैं, जब वो फिलोसफी और हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी के नोट्स में, तो एक जगह हेगेल जो है वो क्रोनोलॉजी का एकदम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सूट करवाना होता है उनको अपने हिसाब से, तो लेनिन लेकिन उस पर नोट में लिखते हैं कि लेकिन लेनिन का नोट है इसमें कि डज इट मैटर, तो लेनिन फिर उस पर खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं क्योंकि बात यहां पे एक्सपोजिशन की है, तो ऐसे करके जैसे उसी पूरे उसके अंदर के वो अपने आप में मजबूर थे सिस्टम के, उस सिस्टम की वजह से जितनी उन्होंने जो उनकी चूक गलतियां हैं हेगेल की उसको लेकर जितना ज्यादा लोग वो हल्ला मचाते हैं, उसके बावजूद भी उनका जितना हेगेल का जो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज था, जितना उनके पास जो वो डायलेक्टिकल
डायलेक्टिकल मेथड को लेकर जितना क्रिएटिवली उन्होंने लिखा है हर एक चीज के ऊपर, अगर देखना चाहे मतलब मैंने तो कई चीजें देखी जो हेगेल की, खासतौर पर साइंस के नजरिए से मैंने कई चीजें पढ़ी थी, कुछ एस्थेटिक्स के नजरिए से पढ़ी थी, जैसे बाद में लेनिन भी लिखते हैं अंडर द बैनर ऑफ मार्क्सिज्म एक आर्टिकल में, साइंटिस्ट को कहते हैं कि जो सोवियत साइंटिस्ट हैं उनको हेगेल को पढ़ना चाहिए, कि हेगेल को पढ़े बिना आप नेचुरल साइंस के डायलेक्टिक्स को नहीं डिस्कवर कर सकते, उसको नहीं जान सकते हैं। उसमें एक स्पेशल इम्फेसिस देते हैं कि हेगेल को पढ़िए, हेगेल को जानिए, उनके ऊपर काम कीजिए। और उसके बाद सोवियत साइंस में काम भी हुआ, हेगेल को पढ़ा गया, कई चीजों के अंदर उनके इंटरप्रिटेशन को लेकर काम किया भी गया, उस पर किसी और आगे बढ़ने को। हाँ तो यहां पर ये बात आती है कि हेगेल ने जो पूरा उनका जो सिस्टम था वो अपने आप में मजबूर करता था खुद में कॉन्ट्रडिक्टरी कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए, वो खुद में एक कॉन्ट्रडिक्शन है पूरे तरीके से, कि जब सिस्टम ये मजबूर करेगा कि आपको एक एब्सोल्यूट ट्रूथ खोज निकालना है, और एब्सोल्यूट ट्रूथ खोज निकालेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो खत्म नहीं होगी, वो तो आगे बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ जाएगा। और हेगेल ने ही प्रिसाइसली इस कॉन्ट्रडिक्शन को सबसे बेहतर तरीके से रिवील करने में मदद की, किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में क्या है, ये किस तरीके से कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ तक मनुष्य नहीं पहुंचता है, बल्कि और कोई एक व्यक्ति भी नहीं पहुंच सकता है, यही वो एक कारण भी है। जैसे एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट मैं नेचुरल साइंस के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मानता है कि चीजों के पीछे काम करने के पीछे, या एक फिलोसफर को अगर वो मार्क्सिस्ट सेंस में साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति को उसको कभी भी ईगोइस्ट नहीं हो सकता, वो हम्बल होगा। यही बात कि प्रिसाइसली एक व्यक्ति चीजें नहीं जान सकता, वो जो नॉलेज है वो ह्यूमन रेस अपने पढ़ने में अपने प्रोग्रेशन में एक एक करके एक एक वक्त के रिलेटिव ट्रूथ्स को जानती है, और एक वक्त में कई सारे इंडिविजुअल्स अपने एफर्ट के जरिए एक वक्त के बारे में बहुत छोटे से हिस्से को जान पाते हैं, वो हिस्टोरिकल जर्नी के पार्ट में छोटा सा हिस्सा होते हैं, उनकी कमियां भी उसमें एक पार्ट अदा करती है, जैसे हेगेल की कमी भी अपने आप में उस हिस्टोरिकल जर्नी में पार्ट अदा कर रही है उसको पूरे नॉलेज को आगे बढ़ाने में, उस तक भी चीजें खत्म नहीं होती है, बस उसका ये रास्ता ये अपने आप में ज्यादा बेहतर तरीके से हेगेल की गलतियों ने भी इंगित किया कि वो हम लोगों को ट्रूथ को कैसे देखना चाहिए, ट्रूथ की कैटेगरी को कैसे देखना चाहिए, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ अपने आप में मौजूद इस सेंस में नहीं होता है, जैसे लेनिन इसी बात को लेकर कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, कुल मिला के आज जो टोटल रिलेटिव ट्रूथ का समेशन है, जो डायलेक्टिकल मेथड के जरिए जहां पे बात कर रहे हैं कि डायलेक्टिकल मेथड के जरिए हम लोग उन रिलेटिव ट्रूथ का समेशन करते हैं, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वह एब्सोल्यूट ट्रूथ भी खुद रिलेटिव है, वो बदल जाए आने वाले वक्त के साथ, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है वो भी बदल रहा है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ अपने आप में रिलेटिव है, और रिलेटिव्स ही मिलकर एब्सोल्यूट बनाते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का जो डायलेक्टिकल के डिग्रीज है उस सेंस में वो बात करते हैं, और ये लगातार चीजें इसी के जरिए इस पूरे सिस्टम्स के जो सिस्टम्स थे, जो फिलोसफिकल सिस्टम्स थे, उसके साथ हेगेल के साथ ये एंड होते हैं, उसके साथ अंत तक पहुंचते हैं, आकर खत्म होते हैं, लेकिन इसके खात्मे को सबसे बेहतर तरीके से इंगित करने वाला जो व्यक्ति था वो खुद हेगेल थे, जो उसको खुद हेगेलियन सिस्टम बनाते हैं, वो उसी के साथ जाकर खत्म होता है। अब आगे कहते हैं कि हेगेल का जो पूरा सिस्टम जब आया, हेगेल की जो पूरी फिलोसफी से एक फिलोसफी टिंच्ड एटमॉस्फेयर था जर्मनी का, उसके से छींटे पड़ी हुई थी फिलोसफी की उससे, तो उसमें कैसे एक पूरा फिलोसफी का एक माहौल पूरा हेगेलियन सिस्टम, हेगेलियन मेथड को लेकर एक लंबा प्रोसेशन, एक यात्रा, एक जैसे क्या कहें कि जो एक पूरा एक प्रोसेशन निकलता है, अब वो जारी रहता है एक लंबे वक्त तक हेगेल की उन विचारों को लेकर और उस चीज को लेकर, और सबसे ज्यादा तो 1830 और 1840 के बीच में हेगेलियनिज्म का पूरा एक दबदबा होता है, और वो न सिर्फ जो हेगेल बनती थे बल्कि उनके अपोनेंट्स भी उनके विचारों तक से प्रभावित हो गए, अखबारों में इवन पॉपुलर लिटरेचर में हर जगह पर हेगेल के आइडियोलॉजी की एक छाप पड़ने लगती, उनके विचारों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रिल्यूड था, ये सिर्फ एक पूर्व पीठिका थी जिसके आने वाले वक्त के लिए
जहां पर वाकई में आकर हेगेल के विचारों के का जो आंतरिक जो संघर्ष शुरू होना था हेगेलियन सिस्टम और हेगेलियन मेथड को लेकर, जो लोग हेगेलियन सिस्टम पर ज्यादा हेगेलियन सिस्टम और पूरी फिलॉसफी को लेकर जो आप कहीं पर भी खड़े होते हैं, तो ये ओवरऑल कहते हैं कि पार्टी व्यूज पार्टिसन आप कहीं ना कहीं संघर्ष होकर अपनी बात रख सकते हैं, आप एक वर्ग की विचारधारा के तौर पर खड़े हो सकते हैं, उसके सेंस में खड़े होने का पूरा एक आधार हेगेल का पूरा फिलॉसफी देती थी। और हेगेल की फिलॉसफी ने इस समय पर जो पूरे जर्मनी में सैद्धांतिक जर्मनी में जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो था धर्म और राजनीति, और धर्म और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों के अंदर जो भी लोग हेगेलियन सिस्टम पर ज्यादा जोर देते थे, हेगेलियन व्यवस्था पर ज्यादा जोर देते थे, सिस्टम पर ज्यादा जोर देते थे, वो कंजर्वेटिव की तरफ जाकर खड़े हुए, जो हेगेलियन मेथड पर जोर देते थे वो एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी एंड पर जाकर खड़े हुए। कुल मिलाकर हेगेल को भी कहें, जहां पर उनके बीच बीच में हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है, वो खूब उनके उसमें ऐसे कई जगह पर ऐसे लगता है जैसे क्रांतिकारी आह्वान होते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट सरी की बातें इस तरह से प्रतीत होती हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी कुल मिलाकर वो कंजर्वेटिव साइड पर ज्यादा खड़ी होती हैं, और उस पर खूब ज्यादा उनको ज्यादा ही वक्त लगाना पड़ा अपने उस सिस्टम को पूरी तरीके से सही बनाने में, बहुत मेहनत लगी कि उसके अंदर जो उसके लूपहोल्स थे उसको बैलेंस करने के लिए किस तरीके से करें, उसको खूब मेहनत लगी। लेकिन एंड ऑफ थर्टीज तक आते आते इस दशक तक आते आते सिस्टम जो पूरा हेगेलियन स्कूल था इसमें दो फाड़ पड़ने लगी, एक क्लीवेज पड़ने लगी, एक दरार पड़ने लगी, एक लेफ्ट विंग निकलता है जो कि सीधे जिसने तमाम प्रीस्ट से फ्यूडल रिएक्शनरी से जो चर्च था चर्च की सत्ता थी इसके साथ संघर्ष किया, और दूसरी तरफ जो पूरा ये अभी तक इसको जब भी अपनी फिलॉसफी के उसमें बात रख रहे थे अभी तक सत्ता द्वारा उसको कोई भी मतलब टॉलरेट कर रहे थे सत्ता, और एक तरीके से उनको बाकायदा टेक्स्ट बुक को भी मान्यता मिल जाती थी, लेकिन अब जाकर ये एकदम से जाकर बहुत ज्यादा बढ़ गया 1840 में जहां पर और ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी बढ़ती है, पीस ये खूब जो विचार पूरे फैलने शुरू होते हैं धार्मिक उसके चर्च की अथॉरिटी का उसका पूरा फैलना शुरू होता है। इस दौर में आते आते 1840 में आते फ्रेडरिक विलहेम IV की सत्ता में आते आते ये क्लियर हो जाता है कि चीजें किस तरफ जाएंगे, जो पीटिज्म है वो आगे मतलब जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का ये मूवमेंट है उसका लूथर के बाद का आगे जो पैदा होता है वो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कुल मिला के उसी धर्म के भीतर उसके आगे कैसे डेवलप करना है चीजों को किस तरीके से करना है उसके भीतर ही वो आगे बढ़ता है। इसमें जाकर और ज्यादा संघर्ष ओपनली होता चला जाता है, और ज्यादा तीखा संघर्ष होता चला जाता है। अभी तक जहां पे दार्शनिक हथियारों से जंग चल रही थी, लेकिन जो दार्शनिक हथियारों से जंग थी वो दार्शनिक लक्ष्यों के लिए नहीं थी, बल्कि वास्तव में वो राजनीतिक स्वरूप को लेकर, सत्ता के राजनीतिक स्वरूप को लेकर, रिलीजन को लेकर, इस सब के उसमें चल रही थी, दार्शनिक उस पर बहस चल रही थी। और इसको जहां पर जो मार्क्स और रुके का पहला व्यू जहर बुखार आता है, जहां पर और ज्यादा इसको फिलोसफिकल डिस्गाइज में रखा, और राइनिश जायतुंग में खुलकर अपने आप को रेडिकल बुर्जुआजी के पक्ष के रूप में रखा, और अभी भी जो फिलॉसफी के जो पूरी बातचीत थी वो सिर्फ इसलिए थी कि जिससे कि सेंसरशिप को अवॉइड किया जा सके, मतलब और ज्यादा निर्णायक होता जा रहा था ये संघर्ष। यहां तक हम लोगों ने बात की, ये पूरा उसी दौर पर हम लोग जहां से टेक्स्ट शुरू हुआ था, जिस दौर में स्टार्क की किताब की बात से शुरू करते हैं, उसका ही आगे का एक प्रोसीडिंग है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही थी, और इस दौर में आते आते कैसे जो पोस्ट हेगेलियन फिलॉसफी हेगेल और हेगेल के बाद की विचार शाखाओं के बीच में कैसे कैसे संघर्ष हुआ, वो कैसे आगे डेवलप होती है और वो क्या पोजीशंस लेती है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई सवाल हो तो साथी बात कर सकते हैं, कोई अपनी तरफ से ढूंढना चाहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
At that time, however, politics was a very thorny field, and hence the main fight came to be directed against religion. This fight, particularly since 1840 was indirectly also political. Strauss's Life of Jesus, published in 1835, had provided the first impulse. The theory therein, developed of formation of gospel myths, was combated later by Bruno Bauer with the proof that a whole series of evangelic stories had been fabricated by authors themselves. The controversy between these two was carried out in the philosophical disguise of a battle between self-consciousness and substance. The question whether the miracle stories of Gospels came into being through unconscious traditional myth creation within the bosom of community, or whether they were fabricated by evangelists themselves, was magnified into the question whether in world history, substance or self-consciousness was the decisive operative force. Finally came Stirner, the prophet of contemporary anarchism. Bakunin has taken a great deal from him and capped the sovereign self-consciousness by his sovereign ego. We will not go further into this side of the decomposition process of Hegelian school. More important for us is the following. The main body of most determined young Hegelians was, by practical necessities of its fight against positive religion, driven back to Anglo-French materialism. This brought them into conflict with the system of their school. While materialism conceives nature as the sole reality, nature in the Hegelian system represents merely the alienation of the absolute ideal, so as to say, a degradation of the idea. At all events, thinking and its thought product, the idea, is here the primary, nature the derivative, which only exists at all by the condensation of the idea. And in this contradiction they floundered as ill as they could. Then came Feuerbach's Essence of Christianity. With one blow, it pulverized the contradiction, in that, without circumlocutions, it placed materialism on the throne again. Nature exists independently of all philosophy. It is the foundation upon which free human beings, persons, products of nature, have grown up. Nothing exists outside nature and men, and the higher beings, our religion, our religious fantasies have created, are only the fantastic reflection of our own essence. The spell was broken. The system was exploded and cast aside, and the contradiction, shown to exist only in our imagination, was dissolved. One must himself have experienced the liberating effect of this book to get an idea of it. The enthusiasm was general. We all became at once Feuerbachians. How enthusiastically Marx greeted the new conception, and how much, in spite of all critical reservation, he was influenced by it, one may read in the Holy Family. Even the shortcomings of the book contributed to its immediate effect. Its literary, sometimes even high flown style, secured for it a large public, and was at any rate refreshing after long years of abstract and abstruse Hegelianizing. The same is true of its extravagant deification of love, which, coming after the now intolerable sovereign rule of pure reason, had its excuse, if not justification. But what we must not forget is that it was precisely these two weaknesses of Feuerbach that true socialism, which had been spreading like a plague in educated Germany since 1844, took as its starting point, putting literary phrases in place of scientific knowledge, the liberation of mankind by means of love, in place of emancipation of proletariat, through the economic transformation of production, in short, losing itself in the nauseous fine writing and ecstasies of love typified by Karl Grunow. Another thing we must not forget is this. The Hegelian school disintegrated. But Hegelian philosophy was not overcome through criticism. Strauss and Bauer each took one of its sides and set it polemically against the other. Feuerbach smashed the system and simply discarded it. But a philosophy is not disposed by mere assertion that it is false. And so powerful
of work as Hegelian philosophy, which had exercised so enormous an influence on the intellectual development of nation, could not be disposed of by simply being ignored. It had to be sublated in its own sense. That is, in the sense that while its form had to be annihilated through criticism, the new content which had been won through it had to be saved. How this was brought about, we shall see people. But in the meantime, the revolution of 1848 thrust the whole philosophy aside as unceremoniously as firework had thrust aside again. And in the and in the process, Feuerbach himself was also pushed into the background. आगे की बात आती है, उसमें इंगल्स कहते हैं कि अभी पॉलिटिक्स अभी भी मुख्यतः कहें कि एक ऐसा था, मुश्किल क्षेत्र था उसमें जा पाना और अभी इतनी बात इतनी खुलकर कह पाना, तो मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में उसके खिलाफ ये संघर्ष लड़ा गया और ये अपने आप में खुद में अपने आप में राजनीतिक भी था। स्ट्रॉस की लाइफ ऑफ जीसस आई जिसका क्रिटिसिज्म रखा ब्रूनो बायर ने, जिसमें यह था कि गॉस्पल के जो मिथ्स हैं वो किसने रचे हैं, वो किसने लिखने का काम किया है, ये जो जितनी भी इवेंजेलिक स्टोरीज हैं कि जो जितना भी आता है कि ईव को किसने सेब खिलाया, वो सरपेंट था या जितने भी थे, जो पूरी उस समय की कहानी जो मिलती है ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर जितनी भी एडम ईव से लेकर जितनी भी मिथिकल स्टोरीज हैं उसके बारे में ये बात आती है कि इस चीज के अंदर ये संघर्ष था कि इतिहास में ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है जिसकी ये जर्नी है या ये सब्सटेंस है जिसकी ये जर्नी है। इन एसेंस सब्सटेंस और सेल्फ कॉन्शियसनेस कुल मिलाकर एब्सोल्यूट आइडिया से बहुत अलग नहीं थे, वो एब्सोल्यूट आइडिया थे जो अलग अलग रूप में उसके हेगेल के किसी एक पहलू विशेष पर ज्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन जहां स्ट्रॉस सेल्फ कॉन्शियसनेस पर जोर देते हैं वो कहते हैं कि वो अपने आप मिथ क्रिएट किया गया है, गॉस्पल के मिथ क्रिएट किए गए हैं, क्या किसी इवेंजलिस्ट ने खुद ये मैन्युफैक्चर किया, लेकिन उस सेंस में जो पूरी बहस चल रही थी वो इसमें था कि ये सब्सटेंस होता है जो हिस्ट्री का जो फोर्स है जो हिस्ट्री को डिराइव करती है, हिस्ट्री में एक कदम ब कदम आगे बढ़ाने का काम करता है, वो सब्सटेंस है या सेल्फ कॉन्शियसनेस है, स्टर्नर आके उसको बताते हैं ईगो है, और लेकिन ये कुल मिलाकर ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये जो ईगो है या जो पूरा ये सब्सटेंस है, ये कुल मिलाकर हेगेल के एब्सोल्यूट आइडिया से ही डिराइव्ड है, इसमें इनमें और कोई अंतर नहीं होता। हम कहें कि वही जो निरपेक्ष विचार था वो निरपेक्ष विचार को ही अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं और उसके किसी एक पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन सवाल अभी भी किसी भाव मतलब उस विचार को सिस्टम के भीतर ही अलग अलग पहलुओं पर जोर आ रहा था, उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज, एब्सोल्यूट आइडिया अभी भी मौजूद था, एब्सोल्यूट ट्रूथ अभी भी मौजूद था जो कि जो अपनी जर्नी तक जा रहा था। फायरबाख आकर इस सबको सिस्टम को अलग करते हैं, उस सिस्टम पहली बार ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप में पहली चीज जो जानने की कुछ भी जरूरी है कि इन दोनों के बीच में मतलब कुल मिला के यही था कि वो एलियनेशन था एब्सोल्यूट आइडिया का, और दूसरी तरफ ये जो पूरा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही थी छोटे छोटे हिस्सों में पावर में स्ट्रॉस में इनमें सब बिखर के अलग अलग रूप ले रहा था स्टर्नर में, इन सबके बावजूद भी अभी दूसरी तरफ मटीरियलिज्म मौजूद था उससे टकरा रहे थे, तो कहां से इतिहास की जर्नी का कहां से है रास्ता कहां से। फायरबाख वही मटीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेगेलियन सिस्टम को एक तरीके से सेट असाइड करते हैं, तो बताते हैं कि नेचर अपने आप में जो एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि ये जो पूरा अपने आप में जो कॉन्ट्रडिक्शन था कि हर चीज जो है जो एब्सोल्यूट आइडिया है जो थिंकिंग है और उसका जो थॉट प्रोडक्ट है वो जो मनुष्य सोचता है उसका विचार उसी की जर्नी है उसी का प्राइमरी आइडिया है या बाहर प्रकृति मौजूद है प्रकृति के एक्सटेंशन के रूप में मनुष्य है मनुष्य इस मस्तिष्क पुंज के जरिए चीजों को स्वीकार करता है और सब कुछ सामाजिक तौर पर उसकी चेतना का निर्माण होता है,
ये इसमें प्राइमरी प्रकृति है और उसके बाद विचार है। इस मटीरियलिज्म के जरिए हेगेलियन आइडियलिज्म को इसको सब कुछ अलग कर दिया जाता है। प्रकृति पहले से अस्तित्वमान है, स्वतंत्र तौर पर अस्तित्वमान है और मनुष्य भी प्रकृति का ही उत्पाद है, मनुष्य का समाज भी प्रकृति का ही विस्तार है। ये समाज के उस पर नहीं जाते हैं, फायरबाग कहते हैं कि मनुष्य उस प्रकृति का ही विस्तार है, उसी का है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मनुष्य और प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है। जो भी हम ईश्वर के या जो हायर बींग्स है वो और ये सारी अपने आप में फैंटास्टिक हमारी फैंटेसीज है, ये रिलीजियस फैंटेसीज है और ये खुद में मनुष्य अपनी एसेंस को अपने अपने सार को रिफ्लेक्ट करके अपने आप को अपने आदर्शों को उस उन मनुष्यों पर गढ़ता है और कुछ नहीं करता है, वो अपने ही द्वारा रचे गए ऐसे आदर्श। इसमें एकदम से ये सारा सिस्टम पूरा एक्सप्लोर कर गया, जो हेगेलियन सिस्टम था उसके जितना भी अलग अलग उसके पहलुओं पर उसकी शाखाएं निकल रही थी, जो हेगेल का पेड़ था उसकी अलग अलग शाखा प्रशाखा जैसे फैल रही थी, अलग अलग शाखाएं जैसे पेड़ की अलग शाखाएं होती है, उसमें एक स्ट्रॉस ब्रूनो बावर फायरबाख एक तरीके से उसको पूरे को सेट असाइड करने की बात करते हैं और बताते हैं कि भाई प्रकृति ये कोई एब्सोल्यूट आइडिया की जरूरत नहीं है, प्रकृति है जो अस्तित्वमान है, उसका हम लोग का रिफ्लेक्शन है। यहां तक वो बात कहते हैं, यहां तक पूरी बात कहते हैं। इसके बाद तुरंत एक जबरदस्त असर पड़ता है उस समय के पूरे फिलोसॉफिकल सर्किल में, रिवोल्यूशनरी सर्किल में। मार्क्स खुद फायरबाखियन बन जाते हैं, मार्क्स एंगल्स दोनों उसको चेरिश करते हैं, इस बात को कहते हैं कि बहुत शानदार, इसको वेलकम करते हैं। होली फैमिली में इसके इन्फ्लुएंस को पढ़ा जा सकता है और ये किताब अपने आप में जिस तरह से लिखी गई थी, ये हेगेल के वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलिस्टिक और इतने जितनी ज्यादा वो फिलोसफाइज जो एकदम से पढ़कर बोझिल हो जाती है, इतनी ज्यादा जुबान घुमाने वाली जो पूरी टर्मिनोलॉजी उसमें वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह बहुत ही लिटरेरी सेंस में लिखा गया था जो हेगेल ने लिखा था एक तरफ तो वो, दूसरा प्योर रीजन और हर चीज पे रीजन की जगह थोड़ा फायरबाख ने प्यार की बात की थी कि मनुष्य को तो प्यार ही बचाएगा, लव की बात की थी कि हम लोगों को एक दूसरे के जो देखने का तरीका, उस पर हम लोग दूसरे हिस्से में जब हम फायरबाख पे आएंगे तो उनके इस कंसेप्शन पे भी हम लोग बात करेंगे, जो फायरबाख का पूरा लव का कंसेप्शन है, प्यार का कंसेप्शन है वो क्या है, वो फिलोसॉफिकल कंसेप्शन एक है अपने आप में, वो इसकी बात करते हैं और इससे प्रोसीड करते हैं कि मनुष्यों के बीच के संबंधों को हम लोगों को इसके जरिए आगे बढ़ाना होगा। हर एक चीज का सोल्यूशन मौजूदा समाज में जो कमियां खामियां उसका, हर एक चीज का सोल्यूशन प्यार में मिलेगा। तो एक तरीके से ये रिलीफ था, एक रिलीफ था पुराने उसकी वजह से, लेकिन इसी कमजोरी की वजह से बाद में ये जो पूरा उनका ये प्रिसाइसली यही थी कि काल ग्रुन जैसे व्यक्ति को ट्रू सोशलिज्म का एक आधार उसने विकसित किया और के मनुष्य का जो लिबरेशन है वो हम लोगों को वर्गों के बीच की टकराहट के रूप में नहीं देखना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदर होना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना चाहिए, तभी हम लोग लिबरेट हो सकते हैं। और उसमें भी वो पूरी जो टर्मिनोलॉजी थी ट्रू सोशलिज्म की, हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के उसमें बात की थी ट्रू सोशलिज्म में, वो बिल्कुल हर एक चीज को उसको जो सपोर्ट करने का था उसको एक सत्ता के जरिए भी समर्थन हासिल था, पेटी बुर्जुआ के लिए बात करता था, सरकारा वर्ग के खिलाफ जाता था, उस जो स्टेटस को था उसको बनाए रखने की बात अंततः वो करता था, उसको सपोर्ट किस तरह से हासिल था वो कोई भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसका छोटा सा जिक्र आता है ट्रू सोशलिज्म क्या था। फायरबाख के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, स्ट्रॉस का और ब्रूनो बावर का जो यहां पर आया कंसेप्शन, इसके बारे में किसी साथी को पढ़ना है तो प्लेखनोव ने खासतौर पर ये जो जो जिसमें ऊपर जिक्र आया है क्रिश्चियनिटी की इवेंजेलिकल स्टोरीज क्या थी, तो प्लेखनोव के द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन है लुडविग फायरबाख किताब पे, उसमें नोट्स जो लिए हैं उसमें इस पर पूरे उसका उस किताबों की बहसों के बारे में जिक्र बताते हैं कि वो किस चीज में बहस चल रही थी। यहां पर ये बताते हैं ना कि क्या वो खुद ही लोगों ने रच ली थी या कुछ इवेंजलिस्ट थे उन्होंने वो रची थी, जो मिथ्स थे गॉस्पल मिथ्स थे वो किसने रची थी, उस पर जो बात आई है वो कोई उसको देख सकता है, वो रेफरेंस भी यहाँ पे ग्रुप पे भी हम लोग डाल देंगे, वो नोट उसमें है, वो पूरी विस्तार से उसमें लिखन उस बात को लिखते हैं वो क्या कंटेक्स्ट था। लेकिन कुल मिला के इसके बाद कहते हैं कि जहां तक एक लोग स्ट्रॉस एक साइड किसी एक सिस्टम उस पूरे सिस्टम के एक पहलू और दूसरे पहलू को ले रहे थे, हेगेल ने पूरे उस सिस्टम को डिस्कार्ड करने का काम किया, लेकिन
हेगेलियन सिस्टम को हम लोग पूरी तरीके से जितना उसका जबरदस्त प्रभाव था पूरे नेशन पर, हम लोग सीधे उसको सेट असाइड नहीं कर सकते थे। वो हेगेलियन सबलेशन के अर्थ में उसका नेगेशन होना जरूरी था, उसका एक पहलू से उसके फॉर्म को रिजेक्ट करके उसके कंटेंट को एब्जॉर्ब करना था, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे उसको एब्जॉर्ब करके उसको हायर फॉर्म में पहुंचाने का काम करना था, जो सबलेशन की जो बात आती है, जहां नेगेशन ऑफ नेगेशन का जो पूरा कंसेप्ट आता है, जो हेगेलियन सबलेशन है पूरा, कि कोई भी चीज इतिहास में अपने आप में रिजेक्ट कर खत्म नहीं होती, उसका एक पहलू हावी होता है। कैसे जो सिंथेसिस की बात करते हैं उसमें किस तरीके से नया चीजें बनती है, उसमें सबलेशन की प्रोसेस पूरी होती है, उसी चीज की बात करते हैं इंग्लिश के हेगेलियन सिस्टम को भी सबलेट किया जाना था, उससे उसका जो डायलेक्टिकल मेथड था, उसका जो रेवोल्यूशनरी साइड था, उसका जो रेवोल्यूशनरी कंटेंट था, उसको एब्जॉर्ब करके बचाना था, और उसका जो रिएक्शनरी साइड था, उसका जो रिएक्शनरी शेल थी, उसका जो रेवोल्यूशनरी कर्नल था, उसको बचाना था, एसेंस को बचाना था, और उसका जो एक मिस्टिकल शेल था उसको रिजेक्ट करके अलग हटाना। ये सबलेशन की प्रोसेस के जरिए ही हेगेलियन सिस्टम को आगे एक नेक्स्ट सिस्टम में उसकी डायलेक्टिक्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता था, लेकिन ये काम खुद फायरबाख ने नहीं किया। फायरबाख ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करने का काम किया। जिस तरीके से फायरबाख ने हेगेल को रिजेक्ट किया, 1848 की क्रांति ने पूरे दर्शन को सेट असाइड किया, पूरे को रिजेक्ट करने का काम किया, लेकिन ये काम जो होना था उस फिलॉसफी को वास्तव में एब्जॉर्ब किए जाने की जरूरत थी वो हुआ। उस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। यहां पर हम लोग इस टेक्स्ट को आज यहां पर ब्रेक करेंगे, डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी बैठ जाएंगे, 2 से 3 दिन के भीतर हम लोग अगले हिस्से को कंप्लीट कर लेंगे। 3 सेशन में हम लोग सोच रहे हैं इसको कंप्लीट करेंगे, देखते हैं आगे कितना सक्सेसफुल रहते हैं, प्लान को हम लोग कितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मतलब इतनी बातचीत पे हम लोग कर रहे हैं, इसको ब्रीफ करें तो जहां से एंगल्स, जहां से बातचीत शुरू करते हैं पूरी उसकी, मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूं, फिर इस पर एक बार चर्चा कर लेंगे हम लोग, पूरी बातचीत कर लेंगे। एंगल्स जहां से बातचीत शुरू करते हैं कि स्टार्के की किताब का जिक्र करते हैं, फायरबाख पर जो उन्होंने लिखी थी, ये उस वक्त के बारे में ले जाती है किताब जिस वक्त में जर्मनी के 1848 की जो क्रांति हुई उसकी एक पूर्व पीठिका तैयार कर रहा था ये वो दौर, एक जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व पीठिका उसके फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन ने तैयार की, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एनलाइटनमेंट के दौर में 18th सेंचुरी में, उसी तरीके से जर्मनी में भी हुआ, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग था। फ्रेंच जब लिख रहे थे वो ऑफिशियल साइंस के खिलाफ लिख रहे थे तो वो जेल जा रहे थे, लेकिन जर्मन प्रोफेसर्स थे उसमें बैठे हुए थे, और उसमें भी हेगेलियन सिस्टम को बकायदा प्रुशियन फिलोसफी ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया था, और उसमें बताते हैं कि जो राज्य सत्ता थी, जो रॉयल्स थे वो भी इनको प्रेशर देते थे, और जो लिबरल्स थे वो नफरत करते थे, जबकि ये अपने आप में कैसा क्रांतिकारी दर्शन हम लोग बात कर सकते हैं। उसी पर बात आई थी, ऑल दैट इज रियल इज रेशनल, जो हेगेलियन फेमस स्टेटमेंट, ऑल दैट इज रियल इज रेशनल एंड ऑल दैट इज रेशनल इज रियल, ये अपने आप में ऐसा प्रतीत होता है कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सूट करता है, जो यथार्थ है वह तर्कसंगत है और जो तर्कसंगत है वह यथार्थ है, ये अपने आप में मौजूदा समय को, मौजूदा गवर्नमेंट को, हर एक चीज को सही स्थापित करता है, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जो यथार्थ है वो अपने अस्तित्व, अपने विकास क्रम में अपने आप को अयथार्थ में तब्दील कर लेता है, और अपने रहने की आवश्यकता उसकी जब खत्म हो जाती है तो एक नया यथार्थ पैदा हो जाता है। उसके ऐसे बात करते हैं 1789 के वक्त में जो क्रांति थी वो यथार्थ थी, जो फ्रेंच मोनार्की थी वो अयथार्थ थी, और हमेशा ही यथार्थ में एक अयथार्थ का तत्व मौजूद होता है जो कि लगातार विकसित होता रहता है, उसको खत्म करने की तरफ लेके जाता है, यानी कि हेगेलियन प्रपोजिशन अपने अपोजिट में तब्दील हो जाता है। जहां से शुरू करते हैं ऑल दैट इज रियल इज रेशनल, ऑल दैट इज रेशनल इज रियल से शुरू करके इस पर पहुंच जाते हैं ऑल दैट कम्स इनटू बीइंग डिजर्व्स टू पैरिश। इससे बात करके बताते हैं कि यही हेगेलियन फिलोसफी का जो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी उसका कैरेक्टर है, उसका के कोई भी फाइनलिटी, ह्यूमन थॉट और एक्शन कभी भी फाइनल नहीं हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट सोसाइटी, फाइनल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता है, हर हमेशा हम लोग निम्न
निम्न से उन्नतर ज्ञान की मंजिलों में पहुंचते, समाज भी निम्न से उन्नतर मंजिलों में पहुंचता, इतिहास का अंत नहीं होता है। डायलेक्टिकल फिलोसफी में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सेक्रेट नहीं है। हाँ, स्टेजेस होती है जो जस्टिफाइड होती है, उसी उन रिलेटिव एग्जिस्टेंस के समय में उसका कंजर्वेटिव प्रतीत होता है, उस समय जब वो स्थायित्व होता है, लेकिन वो अपने आप में चीजें बदलती हैं, चीजें लगातार बदलती हैं, उसके जो रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है हर एक चीज बदल जाएगी, जो है वो अपना अस्तित्व खो देगा, ये उसका एब्सोल्यूट कैरेक्टर है और यही एकमात्र एब्सोल्यूट है इसके अंदर मौजूद। लेकिन ये जो चीज है ये अपने आप में हेगेल ने इस रूप में पेश नहीं किया, क्योंकि हेगेल का जो पूरी फिलोसफी है, जो हेगेलियन सिस्टम है, वो आइडियलिस्ट सिस्टम है, जो कि मानता है कि डेमिउर्गोस था, एब्सोल्यूट आइडिया था, एब्सोल्यूट आइडिया ने अपने आप को इलिमिनेट किया, उससे प्रकृति को जन्म दिया, प्रकृति में डेवलपमेंट में थॉट और हिस्ट्री में अपने आप में उस एब्सोल्यूट आइडिया को फिर से एब्सोल्यूट आइडिया के करीब पहुंचता है। वो एब्सोल्यूट आइडिया खुद के बारे में सिर्फ कॉन्शियस होता चला जाता है, एक एक करके वो रफनेस से होते होते, और फाइनली जाकर हेगेलियन जब वो हेगेलियन सिस्टम में पहुंचता है तो एब्सोल्यूट आइडिया में पहुंचकर वो साइकिल पूरा हो जाता है और इतिहास अंत तक पहुंचता है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है वो भी अंत तक पहुंचती है, और फिलहाल जो फ्रेडरिक विलियम थर्ड की सत्ता थी वो जस्टिफाइड थी, वही आखिरी मोनार्की जो थी वो जस्टिफाइड थी, वो नोबिलिटी होनी थी, उसी तरह की सत्ता मौजूद होनी थी, इनडायरेक्ट होना ही था, डेमोक्रेसी तक को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन इसके बीच में डायलेक्टिकल फिलोसफी है जो हर एक चीज को रिजेक्ट करने की बात करती है, दूसरी तरफ एक सिस्टम है जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को या एक फाइनैलिटी, एक आखिरी सत्य, परम सत्य बताने के लिए मजबूर है। इन दोनों के बीच में अंतर विरोध मौजूद है हेगेलियन पूरे सिस्टम में। ये सिस्टम उनका कंजर्वेटिव है, और ये सिस्टम जो सारी फिलोसफीज के अंदर मौजूद है उसके बारे में बात करते हैं, सबके बावजूद, उसके इस कंजर्वेटिवनेस के बावजूद भी हेगेल का काम जबरदस्त है, शानदार है। उसमें विचारों की अभी भी हम जाएं देखें तो उसमें जबरदस्त जो गहनता उसमें मौजूद है, उससे बहुत कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं, उससे चीजें जानी जा सकती हैं। लेकिन अपने आप में और हेगेल ने ही ये खुद में ये बताने का काम किया कि मतलब हेगेल का सिस्टम जो अपने आप में इस बात को इशारा करता था कि चीजें उसके मेथड के जरिए कि चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, बेचा आप नॉलेज अपने अंत तक नहीं पहुंच, चीजें नहीं मतलब जो हर एक चीज को प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, अपने एब्सोल्यूट आइडिया के सेंस में नहीं, या एब्सोल्यूट आइडिया कोई मौजूद है वो आकर बन जाएगा, फाइनल कोई फॉर्म नहीं आएगी, परफेक्ट स्टेट नहीं बनेगा, सोसाइटी नहीं बनेगी, बल्कि एक प्रोसेस के रूप में चीजों को देखना चाहिए। चीजें लगातार बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, विचार भी इस रूप में, नॉलेज भी लगातार बनती है, बिगड़ती है, और इसी को इंगित करने का काम किया कि मनुष्य के जो पूरा मनुष्य जो पूरी ह्यूमन रेस है वो उनका जो भी चीजें हासिल करती है उसके उस प्रक्रिया में हासिल करती है, वो जो रिलेटिव ट्रूथ हासिल करती है उसकी टोटालिटी में ही हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ को देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में आगे बताते हैं कि हेगेलियन सिस्टम के अंदर आगे जो मेथड और सिस्टम की वजह से जो दो जो दरार थी वो 1830 और 40 के वक्त में आकर जाकर और ज्यादा खुलकर आती है, जहां पर जो सिस्टम को मानने वाले लोग थे वो कंजर्वेटिव साइड जाते हैं, जो मेथड को पकड़ते हैं वो ये लेफ्ट यंग हेगेलियंस थे, जो ब्रूनो बावर, स्ट्रॉस, स्टर्नर, रूगे, मार्क्स, ये लोग थे, जो यंग हेगेलियंस का ग्रुप था जिन्होंने आगे जाकर जो ये पीयूष जहा गुकर निकाला, फिर राइनिश साइटिंग निकाला, इस खुलकर उस पर लिखना शुरू किया, जिसके बारे में हम लोगों ने फिर अंत में बात की थी, कैसे स्ट्रॉस रिलीजन पर लिखते हैं, लाइफ ऑफ जीसस लिखते हैं, ब्रूनो बावर उनका क्रिटिक करते हैं, ये बेसिकली सब्सटेंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में बहस होती है, लेकिन ये कुल मिलाकर स्ट्रॉस है अपने। हेलो हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट हम बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बस खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है ओके। इसके बाद बताते हैं कि फायरबाग ने कैसे उसका सिस्टम का पूरा एक तरीके से जो ये था उस सिस्टम को कास्ट असाइड किया, फायरबाग का सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी आता है, वो मटीरियलिस्ट
फिर से मटीरियलिज्म को सोन पे बैठाने का काम करता है और बताता है कि चीजें नेचर का एक्सटेंशन है उन्हें, और उसके विचार जगत में जो रिलीजियस फैंटेसीज है वो खुद मनुष्य के रिफ्लेक्शन है, वो अपने एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है उसके अंदर। जहां तक हम लोगों ने बात की थी उसमें बस ये था कि अंत में जो है फायरबाग ने किया, फायरबाग ने उस सिस्टम को पूरा कास्ट असाइड किया, लेकिन बाकायदा उसको सबलेट किए जाने की जरूरत थी, उसका निगेशन किए जाने की जरूरत थी, जो आगे मार्क्स करते हैं, इंगल्स करते हैं, जिस पर हम लोग अगली बार बात करेंगे। यहां पर हम लोग आज का अपना सेशन, मतलब ये बातचीत का जो टेक्स्ट पर बातचीत थी, वो यहां खत्म कर रहे हैं। बाकी साथी अपनी तरफ से कोई बात जोड़नी हो, कोई प्रश्न हो वो रख सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ, मुझे कोई बात नहीं रखना था, बस मुझे छोटा सा चीज बोलने को मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने अनम्यूट किया। हाल फिलहाल में मैं दूसरा स्टडी सर्कल में जर्मन आइडियोलॉजी फिनिश किए थे, मतलब पहला पार्ट जो उसका है 65 पेजेस का, वो हमने फिनिश किया था। उसके पढ़ते समय काफी कुछ मतलब नए सिरे से समझ आने लगा था, जो आंखों के सामने था उसकी परतें खुलने लगी, मगर कभी कभी ये लगता था कि क्या जो मुझे समझ में आया वो एम आई गेटिंग इट राइट, ऐसा कुछ लगता था। आज का सेशन सुनने के बाद मुझे बहुत मजा आया और काफी कुछ ऐसा लग रहा था कि अच्छा, जो मुझे वो समझ आ रहा था वो सही लाइन्स में जा रहा है, ऐसे करके मुझे आभास हुआ। तो मैंने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया, तो सबको थैंक यू। मैंने कह दी अपनी बात। ठीक है, मैंने ये लिंक डाल दिया है क्लिकनोव का, जो क्लिकनोव में नोट्स दिए थे स्टिक्स पे, उसमें उसका जिक्र आ जाता है जो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रॉस और ब्रूनो बाग के बारे में, जो पूरी बातचीत है। ठीक है साथियों, तो हम लोग फिर आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम लोग जल्दी रख लेंगे। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का।